hi everyone okay good morning good morning good morning sorry it was message nahi hai, warna email pe message to streaming live a very very good morning to all of you hello Bacho. hello hello good morning good morning thank you so so much for waiting here and i'm sincere apologies for delaying the class by 30 minutes आई फील ओकेश गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की तो ठीक है और ये चीज पता भी होनी चाहिए कि जो हमारा थर्टी डेज का कैप्सूल कोर्स है क्या है थर्टी डेज का कैप्सूल कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर हम फिजिक्स के जो ट्वेंटी में खत्म करने वाले हैं और सिंगल राउंड में नहीं खत्म करेंगे चार राउंड्स में खत्म करेंगे इन चार राउंड में आ जाएंगे एक तो फास्ट ट्रैक क्लासेस जो मंडे टू फ्राइडे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर होती है दूसरा आ जाएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक जो तुम्हें क्लास से पहले ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाते हैं तीसरा आ गया एनसीआर पंप और चौथा आ गया सिलेक्टेड चौथा आ आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर डिस्कशन जिनकी पांच वीडियोस हर सैटरडे को आएगी ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने मंडे से लेके फ्राइडे तक कौन से पांच चैप्टर्स कंप्लीट किए ठीक है तो अभी ये जो थर्टी डे का कैप्सूल कोर्स है मैंने इसके अंदर चैप्टर्स अरेंज किए थे विद रिस्पेक्ट टू तो कि तुम्हें किसी भी वीक में ये ना लगे दैट थिंग्स आर बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर यू तुम थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली चैलेंज हो रहे हो बायो में बायो में मन नहीं लग रहा है या फिर केमिस्ट्री करने का टाइम नहीं मिल रहा है या फिर तुमसे फिजिक्स के ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे

रिस्पेक्ट टू कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें ये चीज़ ज़रूर से पता होना चाहिए कि अभी मैं एक ऐसे चैप्टर की बात कर रही हूँ जिस चैप्टर से हर साल दो से तीन क्वेश्चन आते हैं मोर प्रॉबली तीन क्वेश्चन आएंगे मतलब ये तीन घंटे की क्लास होगी आई ट्राई टू बी मेक दिस क्लास एज डिटेल्ड एज पॉसिबल गिवन द टाइम फ्रेम दैट ऑल ऑफ वी हैव इन ऑर्डर टू कम्प्लीट दिस चैप्टर ठीक है सो जस्ट दैट टाइट तीन घंटे की क्लास होगी इन तीनों घंटों में I'll make sure कि जो तीन में में पूछे जाएंगे इस चैप्टर से वो तुम लोग ना खो दो ठीक है तो फटाफट से सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को ठीक है के टीजी का एनसीआरटी पंप मिल जाएगा डोंट वरी एट ऑल तुम्हें दोपहर तक सेमी कंडक्टर्स का भी मिल जाएगा और के टीजी का भी एनसीआरटी पंप मिल जाएगा फटाफट से लेट स्टूडेंट्स ज्वाइन हाँ जी साढ़े दस बजे तक क्लास चलेगी ऐ, मेरे आंखों में क्या चला गया

चलो ओके शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को ठीक है तो सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स एंड गेट्स बच्चों कोई भी बच्चा न्यू है तो फटाफट से इंट्रोडक्शन दे बताया थर्टी डेज की रेड जोन के चैप्टर इनके रेड जोन के कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये आगे ग्रीन जोन के चैप्टर्स तुम देख पा रहे हो डुअल नेचर यहाँ पर लाइक करता नेचर यहाँ पर लाइक करता है विच वी हैव डन और अब हम लोग सेमी करने वाले ठीक है सो लेटेस बिगिन विद्लास एवरी तो टॉपिक तो देख लो जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं टाइम कर दूंगी ताकि रिवीजन के विद रिस्पेक्ट टू या फिर कोई नया बच्चा देख रहा है तो तुम्हारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा एनहांस हो जाए बाकी आज के टॉपिक्स देख लो सबसे पहला तो टॉपिक है वैक्यूम ट्यूब्स और सेमी के बीच में डिफरेंस फिर हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स सेमी एंड इंसुलेटर्स फिर हम लोग बात करेंगे इंट्रेंसिक सेमी एंड डोपिंग के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे डोनर एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्या होता है फिर हम लोग बात करेंगे कि डायोड को बनाया कैसे जाता है फिर हम लोग बात करेंगे कि डायोड की बाइसिंग कैसे होती है फिर हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द डायोड है ना देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डायोड एक सर्किट में किस तरीके से बिहेव करता है देन विल बी टॉकिंग अबाउट रेक्टिफायर्स रेक्टिफायर्स के बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में जिसमें स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज आ जाएंगी फिर हम लोग वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे ठीक है फिर बच्चों हमको

दिमाग के ऊपर से चला जाएगा ठीक है इंटरक्शन मुझे बहुत उम्दा चाहिए अमेजिंग इंटरक्शन शुड बी इन दी क्लास के कोई बाहर से आए तो उसको देख के भी पता लगे कि भाई कितने एंथ्यूजिया बच्चे हैं ये ठीक है लेट अस बिगिन तो सबसे पहले टॉपिक नंबर वन आ जाता है वैक्यूम ट्यूब्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अभी देखो बच्चों हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में इस पर्टिकुलर क्लास में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स होता क्या है और हमें सेमी की जरूरत क्यों पड़ी क्या सेमी जब तक डिस्कवर नहीं हुए थे हमारा काम नहीं हो रहा था सो वाई डिड वी नीड सेमी तो बेसिकली अगर मैं कंडक्टिविटी के बेसिस पे बात करूँ तुम्हें तो पता होगा कि तीन तरीके के मटीरियल्स होते हैं कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड सेमी

कंडक्टर्स वो जो बिल्कुल बहुत प्यारे तरीके से करंट को कंडक्ट करते हैं दे अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम ठीक है फिर हो जाते हैं इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स होते हैं नक्चड़े मटेरियल्स ये इलेक्ट्रिसिटी uh, को अलाउ ही नहीं करते कि वो खुद uh, की वो इस uh, खुद के अक्रॉस या फिर उस मटेरियल के अक्रॉस फ्लो करे फिर आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स तो सेमीकंडक्टर्स बेसिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर ने बोला कि देखो मैं कंडक्टर से कम कंडक्ट करूंगा मैं इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्ट कर, करूंगा और मेरी कंडक्टिविटी कितनी है, उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो तो ये चीज पहले नहीं होती थी ठीक है पहले हम लोग जो यूज़ करते थे जिन डिवाइस को इंस्टेड ऑफ सेमी एज वैक्यूम ट्यूब्स लेकिन इन वैक्यूम ट्यूब्स में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता था जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता था इट वॉज यूनिडायरेक्शनल इट वॉज यूनी डायरेक्शनल रिमेम्बर मैंने तुम लोगों को जब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर करवाया था आई टॉक्ड अबाउट रेज कि तुम्हारे पास इस तरीके से एक ट्यूब है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन में ले लूँ तो अब इफ आई अप्लाई टू इलेक्ट्रोड तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोन टू दॉजिटिव इलेक्ट्रोड सो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड सच दैट वी आर एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द

दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया उन इलेक्ट्रोड्स ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया और इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए तो यूनिट डायरेक्शनल होता है ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में ही ऑपरेट करते हैं ठीक है हम ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन है वेरी हाई है ठीक है तो बिल्कुल फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा तो या फिर फास्ट ट्रैक कवरेज होगी पावर कंजम्पशन बच्चों यहाँ पर हाई होने वाला है ठीक है अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो जितना ये बिजली खाती है या फिर जितना इसका इनपुट है उतना आउटपुट भी नहीं आ पाता तो आउटपुट लो होता है और आई कैन से इसकी एफिशिएंसी लो होती है या फिर आई कैन से इसकी एफिशिएंसी लो होती है ठीक है, है क्योंकि अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि वैक्यूम की ही क्यों रिक्वायरमेंट है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है गैस में क्यों नहीं मूव कर पा रहे हैं? तो एक बार जरा सा सोच के देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अभी अगर गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे तो कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा एनर्जी लॉस होगा तो जो तुम चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मूव करे वो मूवमेंट हिंडर हो गई ना दैट इज द रीजन वैक्यूम

करंट जैसे कि रिवर्स बाइसिंग में और फॉरवर्ड बाइसिंग में समझे तो आई कैन से कि यहाँ पर सेमी कंडक्टर डिवाइस में जिसके ऊपर पूरी की पूरी क्लास बेस्ड है तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हम डिक्टेट करते हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो बाई डायरेक्शनल होता है हम जिस तरीके से चाहे वैसे ही करंट की डायरेक्शन को यू नो you know, बना सकते हैं सर्किट में अलाउ कर सकते हैं सर्किट में ऑन द बेसिस ऑफ हमने उस डायोड की किस तरीके से बाइसिंग की है जिस डायोड से बन हमारा सेमी डिवाइस बना है यहाँ पर वैक्यूम की सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती नो रिजिड रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्यूम नो रिजिड रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्यूम तो तुम लोग देख पा रहे हो कहने को ही क्रैश कोर्स है ना तो मैं इस वैक्यूम ट्यूब एज वेल एज सेमी कंडक्टर डिवाइस के बीच में डिफरेंस बता रही हूं कि हमें सेमी कंडक्टर की क्यों जरूरत पड़ी तो कोई भी बच्चा जो नी ट्वेंटी ट्वेंटी टू को क्रैक करना चाहता है और बिल्कुल तीस दिन में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करना चाहता है सच दैट कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ये एनसीआरटी में है तो रेलिवेंट है ठीक है तुम मिस ना कर पाओ देन फॉलो थर्टी डेज कैप्स्यूल रिलीजियसली ठीक है फिर आगे आ गया बच्चों इसका पावर कंजम्पशन लो ठीक है लिख देती हूँ एक ही स्लाइड है इसके ऊपर इसका जो पावर कंजम्पशन होता है बच्चों पावर कंजम्पशन लो होता है उसी तरीके से दे आर हाईली एफिशियंट दे आर फिशियंट क्लास का पीडीएफ सब बच्चों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा एनसीआरटी पंप टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा सो डू मेक श्योर दैट यूड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल सो दिस वॉज टॉपिक नंबर वन विच इज वैक्यूम ट्यूब्स इन सेमी कंडक्टर डायूट्स नो दैट वी नो समथिंग अबाउट सेमी कंडक्टर्स कि सेमी कंडक्टर्स ऐसे डिवाइसेज हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है लेकिन रेजिस्टर से ज्यादा है या फिर आई कैन से इंसुलेटर से ज्यादा है या फिर जिसकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम है लेकिन कंडक्टर से ज्यादा है तो ये जो बीच के मटीरियल्स हैं इनको क्या बोला जाता है सेमी कंडक्टर्स तो मैं फटाफट से डिफरेंस लिख देती हूँ कंडक्टर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बीच में इनकी रेजिस्टेंस या फिर आई कैन से जो रेजिस्टिविटी होती है इनकी रेजिस्टिविटी होती है बहुत कम इंसुलेटर की बात करूं तो एनसीआरटी में ना एक रेंज गिवन है तुम्हें वो रेंज याद करने की जरूरत नहीं है लाइक like उसमें रेंज इस तरीके से गिवन है एक मिनट कोई भी बच्चा प्लीज स्पैम मत करो आई विल हाइड यू फ्रॉम चैनल आई डू नॉट केयर अबाउट दी स्पैमर्स एट ऑल चाहे तुम एयर वन हो डू नॉट डिस्टर्ब माई क्लास

कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की होगी हाई और इंसुलेटर्स की क्या हो गई इंसुलेटर्स की हो गई बच्चों लो ठीक है अगर मैं सेमी कंडक्टर्स की बात करूं तो ध्यान से देखना इनकी जो रेजिस्टिविटी है इनकी जो रेजिस्टिविटी है ये रेजिस्टिविटी कम होगी देन दी रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स लेकिन ये रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी देन दी रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स कंडक्टिविटी की बात करूं तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम होगी दंडी कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स और ज्यादा होगी दंडी कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स ठीक है उसी तरीके से आई कैन से अलाउ अलाउज द करंट टू फ्लो ठीक है अलाउज द फ्लो ऑफ करंट यहां पर आई कैन से इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट फ्लो ऑफ करंट सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में होता यह है दैट इट आल्सो रिस्ट्रिक्ट सम हाउ द फ्लो ऑफ करेंट बट वी कैन ऑलवेज चेंज इट्स बिहेवियर तो आई कैन से इसका जो बिहेवियर है इट्स बिहेवियर डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन वन यूजिंग इट ऑन वन यूजिंग इट अब तुम लोग रहे रहोगे ऐसे कैसे आगे डिस्कस करेंगे ऑन दी वन यूजिंग इट तो मैं बेसिकली कहानी बनाने की कोशिश कर रही हूं ठीक है तो बिल्कुल सारे बच्चे इस, इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अटेंड करेंगे और पूरा का पूरा सेमी कंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स एक ही क्लास में खत्म करेंगे ठीक है तो ये आगे हमारे पास बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इन तो अभी आया क्या ना अभी यहाँ पर इस तरीके से एनर्जी गैप्स के बारे में पूछा जाता है या फिर एनर्जी लेवल्स के बारे में पूछा जाता है वट एक्चुअली आर दीज लेट मी ट्राई टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड चाहे किसी भी तरीके का एटम हो मान लो मेरे पास इस तरीके से कार्बन एटम है ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से सराउंडेड ही नहीं है तो आई कैन से कि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो किसी और एटम के ऑर्बिटल्स के साथ बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेंगे लेकिन बच्चों मान लो अभी मैं बहुत सारे कार्बन एटम्स को इस तरीके से क्लस्टर कर दूं तो बहुत सारे कार्बन एटम्स को क्लस्टर करूंगी तो एक कार्बन आटम atom का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे कार्बन आइटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और जब इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उन्होंने ओवरलैप करके एक नया ऑर्बिट बना दिया और ये ऑर्बिट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी लेवल एक जिसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड एक जिसको बोला जाता है वैलेंस बैंड तो अभी तुम लोग यहाँ पर दो चीजें देख रहे होगे एक तो जो तुम ब्लू में देख पा रहे हो तो जो तुम लोग ब्लू में देख पा रहे हो दैट इज बैलेंस बैंड दैट इज बैलेंस बैंड और जो बच्चों तुम लोग ऑरेंज में देख पा रहे हो

अब ये जो बैंड है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया एक तो है वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को तुम एक कार्बन एटम के लिए नहीं डिफाइन कर सकते तुम एक कार्बन ब्लॉक के लिए डिफाइन कर सकते हो दिस इज अगेन कंसेप्ट जो काफी कम बच्चों को पता है सो मेक श्योर यू हियर एवरीथिंग दैट आई एम सेंग एंड नॉट प्रिपेयर नोट्स वाइल्स यू आर वॉचिंग द्लास वन अ चीजें मिस कर जाओगे सो यू कैन नॉट डिफाइन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर अ कार्बन आटम यू कैन डिफाइन एट फॉर अ कार्बन ब्लॉक जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन आटम्स

सोडियम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ठीक है जो सबसे दूर है न्यूक्लियस के जो सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं न्यूक्लियस से वो बाहर निकलेंगे और कंडक्टिविटी शो करेंगे तो वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में होंगे डू यू अंडरस्टैंड मी ये वो होंगे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में होंगे तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ध्यान से देखना जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में बैठे हैं अगर वो कंडक्शन बैंड में तक जंप कर जाए ना अगर मान लो वो जंप करके कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए देन आई कैन से दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स विल लीड टू कंडक्टिविटी दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कहानी लग रही है ना क्योंकि बिल्कुल तुम्हें ऐसे रामायण लगनी चाहिए कि पहले ये हुआ क्यों जरूरत पड़ी सेमीकंडक्टर होते क्या है हम कैसे कंट्रोल करते हैं इस तरीके से पूरी कहानी चलनी चाहिए लगनी चाहिए और ये कहानी चलेगी पूरे तीन घंटे साढ़े दस बजे तक ये क्लास चलेगी ठीक है तो अगर फॉर सम कैसे जंप करेगा अभी हमें उसके बारे में आगे बात करेंगे एनी हाउ अगर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में बैठा है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है अगर वो जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाता है तो आई कैन से विल लीड टू कंडक्टिविटी विल लीड टू कंडक्टिविटी तो यार अभी अगर ऐसी बात है तो इस बेसिस पे जरा सा देखते हैं कि वायलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे दिखते हैं कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए अब बच्चों कंडक्टर्स में क्या होता है ना कंडक्टर्स में ये जो वायलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो अभी मान लो अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत थोड़ी आएगी इट इज लाइक कि मान लो लाइक यहाँ पर मेरे घर में एक रूम यहाँ पे एक रूम यहाँ पर है ठीक है मान लो मैं ये मेरा बेडरूम हूँ और ये मेरा ऑफिस हो सो द इट इज सो कन्वीनियंट फॉर मी दैट माई ऑफिस माई वर्क स्पेस एंड माई रेस्ट स्पेस आप ओवरलैपिंग विद ईच अदर तो मुझे कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी टू यू नो जस्ट जम्प आउट ऑफ द बेड एंड स्टार्ट वर्किंग ये बिल्कुल वही बात है इलेक्ट्रॉन बैठा था वैलेंस बैंड में ठीक है अभी ये जो कंडक्शन बैंड है बिल्कुल इसे ओवरलैप कर रहे हैं ठीक है तो ये बिल्कुल आराम से जंप करता हुआ यहाँ पर चला जाएगा दैट इज द रीजन कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन दैलेंस बैंड डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी

फ्रॉम दी वैलेंस बैंड टू दंडक्शन बैंड ये हो गया कंडक्टर्स अभी बच्चों अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं तो इंसुलेटर्स में एनर्जी गया बहुत ज्यादा होता है इट इज लाइक ये मानो कि मैं रहती हूं अभी यहाँ पर मोहाली में ठीक तो मे, है तो मेरा घर है मोहाली में और मान लो मुझे अंबाला जाना पड़े ऑफिस जाने के लिए तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है ऑब्वियस ही बात है मैं नहीं जाऊंगी कौन रोज रोज अप डाउन करे अप डाउन करे अप डाउन करे यहाँ पे बिल्कुल वही बात है कि ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इंसुलेटर्स में वो बैठे हुए हैं ये वाले बैंड में अभी इसके बीच में ये जो तुम्हारे पास हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द बैंड है उसके बीच में एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत बड़ा एनर्जी गैप है तो यहाँ पर बिकॉज बहुत बड़ा एनर्जी गैप है इसीलिए इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है टू जम्प फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू दी टू जम्प फ्रॉम दी बैलेंस बंड टू दंडक्शन बैंड विच इज अगेन वाई इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी छोटी तो आई कैन से यहाँ पर जो एनर्जी गैप है इट इज मच ग्रेटर इट इज ग्रेटर देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत ज्यादा दिक्कत लगेगी इलेक्ट्रॉन को टू मेक दी जम्प तो आई कैन से इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर make इलेक्ट्रॉन टू मेक the फ्रॉम band बैंड टू conduction बैंड करके दिखाओ कॉम्प्लिकेट जो बच्चा यहाँ पर बैठा है पूरी की पूरी क्लास अटेंड करेगा आई डेर यू कॉम्प्लिकेट करके दिखाना है इस चीज को ये जरा सा एक बार देख लीजिए इसीलिए इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है कम होती है अब सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स क्या है ना सेमी बीच वाले हैं इट इज लाइक ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा रोज रोज प्रोडक्टिविटी शो करते हैं ये वो बच्चे हैं जो रोज प्रोक्रस्टिनेट करते हैं अब ये वो, वो बच्चे हैं जो सेंसिबल बच्चे हैं मतलब प्रोक्रस्टिनेट करते हैं लेकिन मम्मी अगर एक बार बोल दे टीचर अगर एक बार बोलते तो कहना मान के दे स्टार्ट स्टार्टिंग ये बिल्कुल वो वाली बात है कि यहाँ पर एनर्जी गैप है बी केयरफुल ऑफ दी दर्म्स आर एम एवरी वन ठीक है मैं यहाँ पर क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है सेमी कंडक्टर्स एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पॉसिबल है तो बिल्कुल ध्यान से देखना बी केयरफुल ऑफ द टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पर इसको स्पेशली लिखना चाहूंगी तुम्हें तो अच्छे से पता है ये कौन सा बैंड है ये देखो ये आ गया तुम्हारे पास कंडक्शन बैंड सारू ये कौन सा बैंड आ गया बच्चों ये तुम्हारे पास आ गया वैलेंस बैंड तो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द एनर्जी गैप तुम बोल दो तो एनर्जी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड

उसी तरीके से बच्चों ये जो तुम लोग लेवल देख पा रहे हो वट इज दिस दिस इज हाईएस्ट एनर्जी लेवल बोल के दिखा देना इसको इसको क्रैश कोर्स ठीक है दिस इज दी हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड अभी बच्चों जो इनमें डिफरेंस है ना द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में डिफरेंस को एनर्जी गैप बोला जाता है तो आगे से तुम्हारा दोस्त भी अगर तुम्हारे सामने बोले एनर्जी गैप को डिफाइन करे कि इट इज द द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैंड उसको भी करेक्ट कर देना ठीक है ये चीज अभी तुम्हारी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए तो अब बच्चों ये जो एनर्जी गैप होता है सेमी कंडक्टर्स में ठीक है ये प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं प्रेजेंट होता मतलब सेमी कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप है इट इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ताकि वो कंडक्शन ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जम्प करे है कि नहीं तो ये एनर्जी उनको रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाती है इतना कम एनर्जी गैप होता है तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है मैं लिखना चाहूंगी कि यहाँ पर जो एनर्जी गैप होगा दिस एनर्जी गैप इज गोइंग टू बी लेसर देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आई कैन से कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ठीक है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दैट इवन एट द रूम टेम्परेचर इवन एट रूम टेम्परेचर मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल गेन एनर्जी गैप एनर्जी टू मेक द जम्प मेक दम्प कहां पर यहां से लेके मुझ पर नहीं फ्रॉम दैलेंस बैंड टू दंडक्शन बैन ठीक है आई एम होपिंग दैट द पिक्चर इज एक्सट्रीमली क्लियर बच्चों क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट विजुअलाइजिंग का है बच्चों को लगता है सेमी का ये वाला पार्ट इट इज इट लाइज मोर इन दी स्टेटमेंट्स और इट इज डिजोल्व इन दी स्टेटमेंट्स बट इट इज नॉट ए बिल्कुल क्रिस्टलाइज करके विजुअलाइजिंग पार्ट है ठीक है तो हॉली हॉली तुम लोग समझते जाना ठीक है नाउ दैट यू नो अबाउट दिस तो फिर बाद में अभी हम सेमी को उठाने वाले हैं क्योंकि अभी हमने बात किया कि यार जो सेमी है इसका बिहेवियर डिपेंड करता है ऑन दी वन यूजिंग इट अब हमें देखना है कैसे अब हमें देखना है कैसे जो कंडक्टिविटी है सेमी की डिपेंड करती है यूजर के ऊपर तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूंगी कि जो सेमी होते हैं वो जनरली होते हैं तुम्हारे ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट्स जैसे कि तुम बहुत शुरू से पढ़ते आए हो कि जो मेटल्स हैं मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स कंडक्टर्स क्यों होते हैं क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हैं ठीक है दे आर मतलब बहुत ईजी उनके लिए निकलना तो वो हमारे कंडक्टर्स हो गए ठीक है उसी तरीके से आज मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं दे आर स्ट्रिक्टली ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स दे आर स्ट्रिक्टली ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स या फिर ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स का ब्लॉक क्योंकि एक सिंगल एटम सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता बहुत सारे एटम्स का कलेक्टिवली आना इंपॉर्टेंट है तब जाके वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो ये ग्रुप फोर्टीन के होते हैं ठीक है अब बात ये है कि अगर मैं मान लो एक प्योर की बात करूं जो ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स का बना हुआ है तो तुम जरा सा यहाँ पर देखो आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस की यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे होगा क्योंकि ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स में बैलेंसी कितने की होती है बच्चों यहाँ पर वैलेंसी होती है चार की ग्रुप एलिमेंट्स में वैलेंसी होती है चार की है कि नहीं कि मान लो अगर ये एक ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट है तो ये इस तरीके से चार कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट इन एन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर वट ऑफ बॉन्ड्स आर यू एबल टू ऑब्जर्व बिटवीन वन सेमी कंडक्टर आटम एंड अदर सेमी कंडक्टर एटम इट विल नॉट बी आई एन बॉन्ड इट विल स्ट्रिक्टली बी कोवलेंट बॉन्ड विच इज अगेन टेक ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स. ठीक है तो इनकी वैलेंसी होती है चार की तो मान लो अगर ये सेमीकंडक्टर का आइटम है तो ये इस तरीके से चार बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है अभी होगा क्या अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जो बॉन्ड्स है वो टूट जाएंगे बहुत सारी बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे एक बार यार तुम खुद सोच के देखो रूम टेम्परेचर कितना ही होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सारी की सारी की बॉन्ड्स टूट जाए नॉट पॉसिबल तो रूम टेम्परेचर के ऊपर वेरी फ्यू बॉन्ड्स ब्रेक ठीक है आई कैन से कि रूम टेम्परेचर के ऊपर वेरी फ्यू बॉन्ड्स ब्रेक वेरी फ्यू बॉन्ड्स वेरी फ्यू बॉन्ड्स ब्रेक मान लो मैं तुम्हें बोल रही हूं कि एक ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो गई तो अभी अगर एक ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहाँ पर दो फ्री इलेक्ट्रॉन बने हैं बच्चों एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये भाग जाएगा दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन ये भाग जाएगा तो यहाँ पर आगे एक इलेक्ट्रॉन की वेकेंसी यहां पर आगे एक इलेक्ट्रॉन की वेकेंसी इसी इलेक्ट्रॉन की वेकेंसी को होल बोला जाता है सब बताऊंगी हर्ष आई एम द डायरेक्टर ऑफ द मूवी यू विल नॉट आस्क क्वेश्चन वॉट हैपन्स आफ्टर फाइव मिनट्स अभी जो हो रहा है उसको तुम लोग एंजॉय करो यहाँ पर जरा सा देखिए कि रूम टेम्परेचर के ऊपर बहुत कम बॉन्ड्स टूटते हैं तो मान लो अगर रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से एक बॉन्ड टूट गया तो यहाँ से दो फ्री इलेक्ट्रॉन बने एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन ये जिसकी वजह से एक होल यहाँ पर रह गया दूसरा होल यहाँ पर रह गया वट इज अ होल होल इज एन इलेक्ट्रॉन वेकेंसी तो अभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर नेगेटिव गया तो पॉजिटिव छोड़ गया ना दिस इज मतलब बड़ा, बड़ी जेनवन सी बात है कि अगर इफ इट इज लाइक एक नीट एस्पायरेंट और एक मेडिकल सीट एक नीट एस्पायरेंट ने एक मेडिकल सीट ले ली बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर अब मान लो अगर ये जो नीट एस्पायरेंट है ये इस मेडिकल सीट को छोड़ दे ठीक है तो अब यहाँ पर एक वेकेंसी आ गई वो वेकेंसी दूसरा मेडिकल एस्पायरेंट भर सकता है ये बिल्कुल वही बात है होल इज सिंपली अ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है ग्रेट देन इज नो वेकेंसी बट जैसे इलेक्ट्रॉन एक उस वेकन एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक गया तो आई कैन से जो जहां पर वो पहले प्रेजेंट था वहां पर अब वेकेंसी क्रिएट होगी उसी इलेक्ट्रॉन की वेकेंसी को होल बोला जाता है समझे तो आई कैन से वेरी फ्यू बॉन्ड्स ब्रेक तो देखो इसको बताओ क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है बॉन्ड थर्मल एबरेशन वेरी टर्म मैंने क्या बोला है इसको बोला जाता है बॉन्ड ब्रेकेज बॉन्ड ब्रेकेज ड्यू टू ड्यू टू थर्मल ड्यू टू थर्मल एबरेशन मतलब यहां पर जो बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर ही इतनी एनर्जी गेन कर ली दैट वन बॉन्ड ब्रेक्स तो ड्यू टू थर्मल एबरेशन वेरी फ्यू बॉन्ड्स ब्रेक आई एम होपिंग इतना क्लियर हो चुका है कि मान लो अगर एक बॉन्ड ब्रेक करेगा बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट अगर एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने भाग गए तो दो जगह छोड़ गए तो दो होल्स बनेंगे दो होल्स बनेंगे अगर मैं तुम लोगों को अभी थोड़ा सा और बताऊं इन होल्स के बारे में कि ताकि तुम्हें थोड़ी सी और क्लैरिटी आए तो आई कैन से होल्स आर इलेक्ट्रॉन दे आर इलेक्ट्रॉन वेकेंसी ये होती है इलेक्ट्रॉन वेकेंसी जिनके ऊपर कितना कैसा चार्ज होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा एक बार जरा सा देख लीजिए समझ आ गया तो तुम खुद सोचो ना कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ थर्मल थर्मलिबरेशन की वजह से है. समझे थर्मलेशन इज अम विच वीर एक्सट्रीमली वीक ड्यू टू कम्प्लीट कॉम्पैक्शन विदी कंडक्टर आइटम्स वर अरेज विध रिस्पेक्ट टू इच अदर तो ये कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू थर्मल लेबरेशन तो बहुत कम बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं ड्यू टू थर्मल लेबरेशन तुम सोचो ना इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में जो रीजन है कंडक्टिविटी का वही बहुत ज्यादा कम है तो इसीलिए तुम लोग देख पा रहे हो कि किस तरीके से इंट्रेंसिक सेमी की कंडक्टिविटी होती है कम ठीक है तो आई कैन से इंट्रेंसिक सेमी की होती है लो कंडक्टिविटी इसकी जितनी भी कंडक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल एबरेशन की वजह से है तो ऐसा तो नहीं चलेगा ऐसा तो नहीं चलेगा मुझे चाहिए मुझे एक ऐसा सेमीकंडक्टर चाहिए जिसकी हाई कंडक्टिविटी हो तो अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यार दी अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप इफ यू वांट अ सेमीकंडक्टर जिसकी हाई कंडक्टिविटी है तो आप ऐसा कीजिए आप कंडक्टर ही यूज कर लीजिए एंड इट इज़ अ वैलिड पॉइंट लेकिन बात यह है ना कि हम है ह्यूमन बींग्स वी लाइक टू कंट्रोल ठीक है सो इफ़ आई हैव अ कंडक्टर मैं उसकी कंडक्टिविटी कम नहीं कर सकती

सिर्फ और सिर्फ थर्मल एबरेशन की वजह से तो हम क्या कर देते हैं हम यहाँ पर कर देते हैं डोपिंग हम यहाँ पर इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो हम यहाँ पर इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे और जब हम इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे तो अब हमारा जो सेमी है प्योर सेमी नहीं है जो इंटेंसिक सेमी था वो प्योर सेमी था अब तुमने उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो अब जो कंडक्टर बना है सेमी कंडक्टर uh, है दैट इज एन एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर इट इज दिस बेसिक ठीक है अगर समझ आ गया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करेंगे ठीक है बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों पूरे चैप्टर को हमें इतने ही डिटेलिंग में कंप्लीट करना है नाम है क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स जैसा कुछ नहीं हो रहा सब डिटेलिंग में मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ वो बस मैं स्लाइड्स बना के लाई हूँ सो इट इज गोइंग टू नॉट टेक एज मच टाइम एज इट वुड हैव हैड आई नॉट मेड स्लाइड्स ठीक है समझे इंटेंसिक सेमी कंडक्टर प्योर सेमी कंडक्टर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर अब जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ लख के ऊपर डिपेंड करती है वो सिर्फ चांस के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने बॉन्ड्स टूटेंगे एट द रूम टेम्परेचर तो जितने बॉन्ड्स टूट गए एट रूम गएर उसका डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया उसका डबल नंबर ऑफ होल्स बन गया अब इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से कंडक्टिविटी है तो वी डोंट वॉन्ट दैट हम चाहते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं इम्प्योरिटी एड कर देते हैं और अब जो हमारा प्योर सेमी है वो इम्प्योर सेमी कंडक्टर एक्सटेंसिक सेमी में कन्वर्ट हो जाता है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अगर मैं इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर मुझे बच्चों इंटरैक्शन चाहिए ठीक है इंटरैक्शन चाहिए कि यार कितने इंटरेस्टेड है ये लोग पढ़ने में सो लेट मी जस्ट गिव देम द एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइफ ठीक है तो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में नंबर वन पॉइंट कंडक्टिविटी ओनली ड्यू टू थर्मल एबरेशन कंडक्टिविटी ओनली ड्यू टू थर्मल एबरेशन दो बार बता चुके वॉट इज थर्मलेशन ओनली ड्यू टू थर्मल एबरेशन ओनली ड्यू टू दर्मल एनर्जी गेन्ड बाचर ओनली ड्यू टू थर्मल एबरेशन ठीक है बट थर्मल एबरेशन रेट इज वेरी लो रेट वाहरी लो ठीक है तो अभी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स के बने होते हैं ये तुम्हारे पास आ गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा पॉइंट तुम्हारे तीसरा पॉइंट तुम्हारे पास ये आया है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स ये देख लेना अगर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना दो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन तो दो होल्स भी बने हैं तो तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे बनेंगे उतने ही होल्स आई कैन से दैट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो इंटेंसिक सेमी कंडक्टर है इट इज गोइंग टू बी बच्चो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसके ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होगा ठीक है तो इंटेंसिक सेमी आ गया बिल्कुल प्योर सेमी अब जब हम हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो अब कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा अब बन जाएगा हमारे पास तो तो ये जरा सा देख लीजिए बिल्कुल pure semiconductor. इसके अंदर अगर मैं impurity कर दूं तो अब जो मेरे पास सेमी कंडक्टर बना है दैट इज देंसिक सेमी कंडक्टर तो हमारे दिमाग में आता है इम्प्योरिटी क्या ऐड करें नाले का पानी ऐड करें कैसी इम्प्योरिटी हमें ऐड करनी है तो ऐसे नहीं कि तुम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हो वाई आर यू एडिंग द इम्प्योरिटी देखो बड़ा बेसिक सा अप्रोच है वट एवर यू डू इन योर लाइफ जस्ट आस्क वाई डू यू वॉन्ट टू डू इट अगर एक बार तुम्हारा मोटिव क्लियर होता है तो टू टेक दीज स्टेप नो मैटर हाउ डिफिकल्ट आर इट बिकम ईजी फॉर यू है ना यहां पर वही चीज है तुम इम्प्योरिटी एड कर रहे हो क्यों क्योंकि तुम्हें कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो तुम इम्प्योरिटी कोई भी नहीं ऐड कर सकते तुम सिर्फ वही इम्प्योरिटी ऐड करोगे जो कंडक्टिविटी बढ़ाए तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ दो इम्प्योरिटी पॉसिबल है एक तो है ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स एक तो ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी आ गई और एक ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी आ गई अब तुम लोग सोच रहे होगे क्यों ऐसा क्यों हम क्यों ग्रुप आ, ग्रुप वन एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी नहीं ऐड कर सकते ग्रुप एटीन एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी ऐड कर सकते

तो डोपिंग को एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तो मैं ये डिटेल नोट्स बच्चों टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएंगे ठीक है तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल दो तीन मिनट में ही मैं नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ क्लास खत्म होने के पांच मिनट तक ही टाइम स्टैम्प भी आ जाएंगे ठीक है आज दोपहर तक तुम्हारे एनसीआरटी NCR, पंप भी आ जाएगा के के लिए भी सेमी के लिए भी ठीक है तो डोपिंग का मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज डोपिंग

ठीक है बहुत गंदी बात होती है अभी जो मैं करने वाली हूँ मान लो लेकिन तुम्हें बैंक लूटना है या फिर चलो तुम्हें नहीं लूटना तुम देख रहे हो मनी हाइस्ट ठीक है उनको बैंक लूटना है तो अभी सबसे पहले वो बैंक की सर्वेलेंस करने जाते हैं कि यार कहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं ठीक है हमें हमारा चोरी करने का प्लान क्या होना चाहिए तो जब वो इस आ, टास्क को अकम्पलिश करने के लिए जाते हैं दे ऑलवेज लाइक द इंडिविजुअल्स जो बैंक में काम करते हैं ऐसा नहीं होगा कि चोर आएगा आंखों पे मतलब ये पूरा का, पूरा का ब्लैक मास्क डाल के यहाँ पर uh, ब्लैक चश्मा डाल के और फिर बाद में अंदर आए और सिक्योरिटी गार्ड को बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ मैं तो बस देखने आया हूँ कि वेपन इन दी बैंक नहीं ना तो अगर बहरूपिया है तो बहरूपिया का मतलब क्या दैट ही और शी वुड हैव टू मिमिक सम पर्सन जो जिसके ऊपर किसी को शक ना हो ये बिल्कुल वो वाली बात है कि वी विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर ओनली वेन सम एक्सटर्नल कम्स इज बेटर एट शोइंग कंडक्टिविटी बट इज ऑल्सो वेरी मच लुकिंग लाइक द सेमी कंडक्टर आइटम्स विच आर ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स तो तुम बताओ ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट से कंपेरिज कंपेरेबल साइज में कौन से आइटम्स हैं या तो ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स उनसे थोड़े से आ, बड़े या फिर ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट उनसे थोड़े से छोटे ठीक है तो ये समझो सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर एटम्स एटम्स कौन है atoms, वो एटम्स हैं जो ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट से बने हुए हैं अब जब तुम इनकी डोपिंग कर रहे हो जब तुम इनके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो तुम जिन एटम्स को ऐड कर रहे हो उनको डोपेंट एटम्स बोला जाता है सो द कंडीशन ऑफ डोपिंग इज दैट द सेमीकंडक्टर एटम एंड द डोपेंट एटम मस्ट बी ऑफ कंपेरेबल साइज ठीक है तो ये देखो ये है तुम्हारे पास ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री सर संकी प्रॉब्लम्स ठीक है ये आ गया तुम्हारे पास ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स ये आ गया तुम्हारे पास ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास ठीक है तो या तो हम ये वाले आइटम्स ऐड आट करेंगे या ये वाले आइटम्स ऐड आट करेंगे तो जब हम ये वाले आइटम्स ऐड आट करेंगे सेमी हमारा पी टाइप का हो जाएगा क्यों आगे डिस्कस करेंगे और जब हम ये वाले इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो सेमी हमारा एन टाइप का हो जाएगा क्यों हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अब एक बार बच्चों जरा सा हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाली जोन के ऊपर कि ये जो हमारे सेमीकंडक्टर के आइटम्स हैं तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं देखो अगर मेरे पास पेन स्टॉप वर्किंग तो मैं तुम्हें ये बोल रही थी कि जो तुम्हारे सेमी कंडक्टर के आइटम कार्बन सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर वी कैन यूज जर्मेनियम सेमी कंडक्टर लेकिन इनमें से अगर मैं बिल्कुल मोस्ट कॉमनली यूज बताऊं ना तो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम एस एन और पीबी ठीक है एक बार जरा सा देखिए टेन एंड लेट वॉट इट वॉट इज द रीजन द रीजन इज की सेमी कंडक्टर में बॉन्ड्स टूटनी चाहिए ना अभी कार्बन के अंदर है हाई कैटनेशन ये चीज केमिस्ट्री वाले टीचर ने जरूर करवाई होगी अगर नहीं करवाई है देन आई जस्ट वॉन्ट टू सैटली से चेंज योर एडुकेटर तो ये जो हमारा कार्बन है यहाँ पर स्ट्रोंग कैटनेशन शो करता है स्ट्रोंग कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है यहाँ पर बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो आई कैन से नॉट एन अप्रोप्रिएट चॉइस नॉट एन Appropriate choice, not an appropriate choice. तो हम यूज करते हैं किसको हम यूज करते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लिट को ठीक है अब जरा सा इसके बारे में और आगे बात करते हैं कि यार आदि आपने बोला है कि दो तरीके की इम्प्योरिटी एड कर सकते हैं एक तो ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट की इम्प्योरिटी एड कर सकते हैं या फिर हम लोग ग्रुप थर्टीन की इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम बेसिस पे और फिर बाद में हम लोग उसको यहाँ पर लिख लेंगे ताकि बेटर क्लियरेंस आए तो आई एम होपिंग अभी तक बच्चों तुम्हारा इंटेंसिक सेमी बिल्कुल अच्छे से कवर हो चुका है अच्छे से तुम्हें समझ आ चुका है कि ये बिल्कुल प्योर सेमी है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट चार बॉन्ड्स बना रहे हैं चार बॉन्ड्स बना रहे बाई चांस आप रूम टेम्परेचर बहुत कम बॉन्ड्स टूटेंगे

सब बच्चों का कंसंट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए ठीक है मैम चार्ट मत देखो पढ़ाओ मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं मैं चार्ट करू मैं इधर गिद्दा पाऊ दिस इज माई चैनल ठीक है कमिंग बैक टू अगर मैं एन टाइप की, की बात करूं तो इसके अंदर देखो ये आया ना प्रोफेसर मनी हाइस्ट का ये है हमारे बैंक के अलग अलग ऑफिशियल्स ठीक है अब ये आए हमारे प्रोफेसर ऑफ मनी हाइस्ट फॉर सम सर्विलेंस ठीक है तो तो अभी ये ग्रुप का एलिमेंट है ग्रुप फिफ्टीन के एलिमेंट में तो पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चार इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गए एक बार जरा सा बच्चों देखना एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं अच्छे से नहीं दिख रहा ना तुम्हें ये एक ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए ये किसमें यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए ठीक है लेकिन जो खुरापाती शो करेगा इट इज ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये देखो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ठीक है ये निकल जाएगा खत्म ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा दिस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन दिस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल सेट फ्री सेट फ्री लीडिंग इन मोर कंडक्टिविटी समझे सेट फ्री लीडिंग टू मोर कंडक्टिविटी लीडिंग टू मोर कंडक्टिविटी बस ये इतना ही है कर लो इसको कॉम्प्लिकेट करके दिखाओ एक बार जरा सा लिख लेते हैं मैंने क्या बोला है तो मैंने तुम्हें ये बोला है कि जो हमारे ग्रुप फिफ्टीन के एलिमेंट्स हैं, अब ग्रुप फिफ्टीन के एलिमेंट्स में पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ठीके? जिसके अंदर जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आराम से कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे आराम से कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे सराउंडिंग के सेमीकंडक्टर कंडक्टर एटम्स के साथ लेकिन ये जो हमारे पास बच्चों फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आएगा ये जो हमारे पास फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आएगा इट विल सेट फ्री ठीक है इट विल सेट फ्री सो दिस विल वर्क एज अ ये अभी आ गया तुम्हारे पास मूविंग चार्ज मूविंग चार्ज करंट लेके आएगा मूविंग चार्ज की वजह से कंडक्टिविटी आ गई इलेक्ट्रॉन चला गया तो बात है, के जाने की से क्या, क्या रिपीट ही कर रही हूँ बता तो मैंने तुम्हें यहां पर दिया है ठीक है तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग प्लीज रिपीट वेट फॉर मी टू रिपीट बिकॉज आई विल दैट इज हाउ आई टीच अभी लेकिन सुनते जाओ ग्रुप फिफ्टीन के एलिमेंट के पास पांच इलेक्ट्रॉन थे चार इलेक्ट्रॉन ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया पांचवा इलेक्ट्रॉन सेट फ्री हो गया ठीक है चला गया ठीक तो है तो एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया है ग्रुप 15 में से, तो इस ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट के ऊपर कैसा चार्ज आ गया ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट जो की डोपेंड आइटम है इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो मतलब तुम लोग यहाँ पर समझना कि इसको इसको मुझे एक और बार भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा व्हाई यू विल अंडरस्टैंड व्हाई यू विल अंडरस्टैंड अभी एक बार जरा सा देखते जाओ अभी सिर्फ इतना समझो ठीक है टॉपिक हैज नॉट एंडेड उसी तरीके से मान लो अभी अगर मैं ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट की बात करूं कि मान लो हमने जो इंप्योरिटी ऐड की है वो ग्रुप 13 के एलिमेंट की की है तो इस ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट ने ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया विच इज एग्जैक्टली वॉट नीड्स टू हैपन ताकि हम इम्प्योरिटी uh, को ऐड करके कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सके तो ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट को रिप्लेस कर लिया ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट ने अब ये है चोर अब ये चोर किस तरीके से है कि ये जो ग्रुप थर्टीन एलिमेंट है ठीक है एक बार जरा सा देखिए अगर ये मैं इस ग्रुप थर्टीन एलिमेंट की बात करूं अब इसके पास से सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन ठीक है इसके पास है सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये इसने कोवलेंट बॉन्डिंग ये शो कर दी एक इलेक्ट्रॉन ये कोवलेंट बॉन्डिंग ये शो कर दी एक इलेक्ट्रॉन ने कोवलेंट बॉन्डिंग ये शो कर दी तो इसके पास एक जगह है इसके पास एक वेकेंसी है इट इज लाइक कि नीट के एग्जाम देने के बाद मान लो देर आर ओनली फोर मेडिकल सीट्स तो इनमें से तीन ये भर पा रहा है लेकिन इसके पास एक वेकेंसी है तो ये है चोर ये क्या करेगा साइड वाले डोपेंट टाइटम में से इलेक्ट्रॉन उठा लेगा समझे साइड वाले डोपेंट में से इलेक्ट्रॉन उठा लेगा तो इसने क्या करा कि यहाँ पर ये मेरे पास सेमीकंडक्टर कंडक्टर आटम देखो ये सारे सेमीकंडक्टर कंडक्टर आइटम्स है ना ये ग्रुप फोर्टीन के आइटम है तो इसने क्या किया यहाँ पर इस सेमीकंडक्टर के आइटम से इलेक्ट्रॉन चोरी कर लिया कि भाई मुझे तो अपने चार कोवलेंट बॉन्ड शो करने मेरे पास है सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन तो मैं ऐसा कर लेता हूँ एक कहीं से चोरी कर लेता हूं तो जब इसने ये इलेक्ट्रॉन को चोरी करा तो तुम यहां पर देख पा रहे हो ना कि ये वाली जगह पे होल इज गोइंग टू बी क्रिएटेड यहां पर जहां से इलेक्ट्रॉन चोरी किया है वहां पर वेकेंसी क्रिएट हो गई तो होल इज क्रिएटेड तो अभी ये जो होल क्रिएट हुआ है इट विल लीड टू मोर कंडक्टिविटी इट विल लीड टू मोर कंडक्टिविटी

यहाँ पर होते हैं सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बन गई थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर बन गई थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स अब यहाँ पर दिक्कत क्या है दिक्कत ये है दैट दे नो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 18 ये जो उसकी बात कर रही हूँ नो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन ठीक है आई कैन से लेक्ट्रॉन वन मोर इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेगा विल स्टील इट फ्रॉम विल स्टील इट फ्रॉम अ नेबरिंग फ्रॉम अ नेबरिंग ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट इसकी वजह से क्या हुआ इसकी वजह से फुल क्रिएट हो गया इसकी 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 वजह 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 से 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 तो के ने क्या क्या किया कर लिया हुआ say, कि ग्रुप 13 element, जो कि जो हमारा dopant atom है इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ग्रुप थर्ट जब हम इम्प्योरिटी एड करते हैं ग्रुप थर्टीन की तो ग्रुप थर्टीन में बिकॉज हमारे पास यहां पर एक होल क्रिएट हो रहा है क्यों क्योंकि ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन चोरी किया तो इसने इलेक्ट्रॉन चोरी किया दैट इज द रीजन डोपेंट एटम के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज दूसरी बात ये एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है पी टाइप में होल क्रिएट हो रहा है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज द रीजन हम इसको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं जब हम ग्रुप थर्टीन की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं यहाँ पर होल क्रिएट हो रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए हम इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं एक बार जरा सा देख लीजिए फटाफट से बच्चों सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो मैंने तुम्हें पढ़ाया कि इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई हैव रिपीटेड माई सेल्फ दिस इज सिंपली अ स्टोरी लाइन इससे ज्यादा बढ़िया तुम्हें कोई नहीं पढ़ा पाएगा इन दिस गिवन टाइम फ्रेम बिकॉज मैं मैं स्लाइड्स बना के लाई हूं कि मैं तुम्हें एक बार ये करके भी दिखाऊँ यहां पे, इन दी और फिर मैं मैं उसको नोट्स में भी उतार दूँ तो तुम्हारे पास प्योर सेमीकंडक्टर थे प्योर सेमीकंडक्टर में जितने भी कंडक्टिविटी थी वो सिर्फ डिपेंड करती थी लक के ऊपर कि टेम्परेचर की वजह से कितने बॉन्ड्स टूटेंगे वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स बने उतने होल्स बन गए ठीक है अब उसकी कंडक्टिविटी थी कम तो हमने क्या करा हमने ऐड करी करीरिटी

ठीक ठीक है तो ग्रुप फिफ्टीन के एलिमेंट ने देखो रिप्लेस कर लिया ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट को चार इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में पांचवा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है पांचवा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वीकली बाउंडेड है निकल जाएगा रूम के ऊपर ही तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज गोइंग टू लीड इन मोर कंडक्टिविटी ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ग्रुप फिफ्टीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज तो आई कैन से एन टाइप के सेमी में जो चार्ज कैरियर बना है वो है नेगेटिवली चार्ज

तो ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट में जो चार्ज कैरियर क्रिएट हुआ है इट इज होल जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज ये इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट के ऊपर या फिर डोपेंट आटम के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज एक बार जरा सा देख लीजिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए ये ठीक है अब मैं तुम्हें बताती हूँ वाई वॉज आई सींग दैट आई वुड नीड वन मोर स्लाइड बिकॉज देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट ऑल ऑफ यू मस्ट नो चाहे बच्चों मैं अभी एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रही हूँ चाहे मैं उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर मान लो या फिर पी टाइप का सेमीकंडक्टर मान लो तुम सोचो उसके अंदर ग्रुप एलिमेंट्स तो है ना तो मैं अगर यहाँ पर ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स के कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स के कंट्रीब्यूशन की, की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं उतने ही होल्स बन रहे हैं ठीक है जितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं उतने ही होल्स बन रहे हैं वेरी जेनुन एन टाइप ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स नहीं है एन टाइप ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स का ही सेमीकंडक्टर है जिसमें तुमने कुछ कुछ ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स की इंप्योरिटी एड की है पी टाइप ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स का ब्लॉक नहीं है ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स का ही ब्लॉक है जिसमें तुमने थोड़े थोड़े ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट्स एड किए हैं

ये एन टाइप है तभी ये पी टाइप है तो अभी अगर मैं ऑल टुगेदर इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करूँ आई से कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं होल्स कम हैं और पी टाइप में जो होल्स हैं वो ज्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है लेकिन जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स बने उतने होल्स बने यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स बने उतने ही पॉजिटिवली चार्ज्ड डोपेंट आइटम्स बने यहाँ पर जितने होल्स बने उतने ही नेगेटिवली चार्ज्ड डोपेंट आइटम्स बने सो आई कैन से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड व्हाट सो एवर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड व्हाट सो ठीक है तो मैं ये, ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरीके से डोपेंट आइटम्स विल नॉट कंट्रीब्यूट इन कंडक्टिविटी ये जो चार्ज कैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन कंडक्टिविटी क्रिस्टल क्लियर लाइक कर देंगे वीडियो को अगर ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है ठीक है तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा हो गया रीका ठीक है अब आ गया हमारे पास डोनर और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं तो अभी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए चाहे मैं इंट्रेंसिक की बात करूं एक्सट्रेंसिक की बात करूँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी थर्मल एब्रेशन की वजह से जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं

अच्छा एक बच्चे का कमेंट मैंने पढ़ा कि मैम वी आर योर स्टूडेंट ऑब्वियसली वी विल लाइक व्हाई डू यू ऑलवेज से कि लाइक like करो लाइक like करो लाइक like करो लाइक like, ये इट इज लाइक अगर तुम पढ़ भी रहे होगे योर पेरेंट्स विल ऑलवेज टेल यू कि यार पढ़ ले क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है एंड स्टफ सो सर्टेन थिंग्स आर इनबिल्ट इन यू विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस तो मुझे होता है बच्चे हैं सारा का सारा काम ध्यान इनका अभी पढ़ने में होगा तो मैं ग्रेजुअली बोलती रहती हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो समझे ठीक है अच्छा हाँ यहाँ से बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन यहाँ से ठीक है अब आ जाओ बच्चों डोनर और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के ऊपर डोनर और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के ऊपर तो ये मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम में उठाया हुआ है बिल्कुल ध्यान से देखना अब बच्चों जो जेनविन जेनविन उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ देखो अगर बैंड तो और यहाँ पर इस तरीके से आ गया तुम्हारे पास वैलेंस बैंड तो अभी जो कुछ भी मैंने हाईलाइट करा है दैट इज रिलेटेड टू द सेमी सेमीकंडक्टर तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में डोनर और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नहीं होगा आई विल स्टार्ट ऑफ

एनर्जी लेवल इसका मतलब क्या कि कंडक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं ना जब हमने डोपिंग डोपिंग ऐड ऐड करा तो डोपिंग करने की वजह से हमने कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दी एन टाइप में हम कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को देके इलेक्ट्रॉन्स को देके तुम लोग समझ पा रहे हो सो दिस इज डोनर एनर्जी लेवल मतलब जो uh, इलेक्ट्रॉन्स डोनर दे रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 15 एलिमेंट दे रहा है उस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करना है तुम समझ पा रहे हो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फ्रॉम ग्रुप 14 एलिमेंट्स उनको जंप करना पड़ रहा है यहां से लेके यहां तक लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फ्रॉम ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो डोनर की तरह लेवल तो यहां पर है मतलब उनको सिर्फ यहां से, से लेके यहां तक जंप करना है है दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हारे ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स में से आ रहे हैं उसी तरीके से तो ये आ गया तुम्हारे पास ऑब्वियसली बात है ये तुम्हारे पास एन टाइप के लिए आ गया ये देखो ये तुम्हारे पास एन टाइप के लिए आ गया उसी तरीके से बच्चों अभी अगर मैं पी टाइप की बात करूं तो पी टाइप में जो ग्रुप थर्टीन एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और उसकी एक्सेप्टेंस की वजह से कंडक्टिविटी आती है है कि नहीं तो अभी मान लो अगर मैं नॉर्मल एंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां तक जंप करना था तब वो कंडक्टिविटी शो करता लेकिन अभी हमने ग्रुप थर्टीन का एलिमेंट ऐड कर दिया ना तो यहां पर एक्सेप्टर लेवल आ जाता है कि अब इलेक्ट्रॉन को सिर्फ यहां से लेके यहां तक जम्प करना है यहां पर इलेक्ट्रॉन को सिर्फ यहां से लेके तक जंप करना है ताकि जो ग्रुप थर्टीन एलिमेंट है उसको एक्सेप्ट कर ले और होल क्रिएट कर दे तो ऑब्वियस सी बात है तुम जरा सा देखो ये वाला जंप इजी है या फिर ये वाला जंप इजी है

डोनर एनर्जी लेवल लाइज बिलो दशन बी तरीके से आई कैन से दट दी लेवल लाइज हायर देन दाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ दीक है अब बच्चे नहीं हो मतलब वैसे बच्चे हो लेकिन इतने छोटे नहीं हूँ कि तुम लिख नहीं सकते मैं क्या बोल सकती हूँ दैट दिल has less energy than the lowest energy level of the conduction band. Acceptor energy level has higher energy than the highest energy level of the valence band. ठीक है? एक बार जरा सा देख लीजिए यहां से क्वेश्चन आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया डायोड। अनाउ दैट वी नो अबाउट कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसा होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैसा होता है नेक्स्ट हमारा मेजर टॉपिक आ गया मेकिंग ऑफ ए डायोड। कि डायोड क्या होता है

बीच में नहीं छोड़ेगा ये एक हम एक ऐसे चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन है एक्सट्रीमली डिटेल्ड इससे डिटेल क्लास अगर तुम्हें मिले ना यूट्यूब के ऊपर टैग में आई डेर यू टैग कर देना मुझे वहां पर ठीक है मैं उनसे ही सीख लूंगी कि इससे बेटर फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं तो कहने को कैप्स्यूल है बट दिस इज एक्सट्रीमली डिटेल्ड तीन घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे ठीक है <clears throat> अब ये मत करना कि दी देखो दिस इज आवर वीडियो एंड एंड इट जस्ट टॉक्स अबाउट डोपिंग दिस इज मोर डिटेल्ड सिंगल शॉट मजा आना चाहिए फ्लो बनना चाहिए देखो फ्लो बनता है ना तो मजा आता है ऐसे बीच बीच में ब्रेक्स आ जाते हैं तो इंसान को वो काम करने में मजा नहीं आएगा हम्म वन टू मोर टू को आराम से कर लेंगे देखो अगर हम खो जाएंगे ना जिस जो काम हम कर रहे हैं उसमें तो फिर चार पांच घंटों का भी नहीं पता लगता ठीक है चलो आ जाओ सब बच्चे आ जाएंगे और कोई भी बच्चा क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में हाशटैग डे फोर लिखना नहीं भूलेगा चैट सेक्शन में नहीं बोल रही कमेंट सेक्शन में मैं बोल रही हूँ ठीक है वो जो हमारा एक, एक हजार का रिकॉर्ड चल रहा है वो चलते रहने दो ठीक है आज अस टॉक अबाउट द मेकिंग ऑफ द डायोड अब ये तो बड़ा प्यारा प्यारा है डायोड होता क्या है तुम्हें बताती हूँ अब एक हो गया तुम्हारे पास ये मूवी वाली बात है ठीक है एक है पानी एक है आग एक है पी टाइप जिसके अंदर बहुत सारे होल्स भरे हुए हैं एक है एन टाइप जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं ठीक है अगर मैं इन दोनों को टच कर लू अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले आऊ तो अब जो मेरे पास जो डिवाइस बनेगा उसी को डायोड बोला जाता है तो सबसे पहले देख लो डायोड की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है पी e साइड को हम ऐसे एक ट्राइंगल से शो करते हैं एन साइड को हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के साथ शो करते हैं सो दिस इज हाउ वी डायोड नाउ लेट टॉक अबाउट कि एक बार जब हम पी टाइप और एन टाइप को एक साथ ले आए देखो मैं बहुत अच्छे डायग्राम्स लेके आई हूँ तो जब सारी की सारी चीज विजुअलाइजिंग हो और स्टेटमेंट्स से बढ़ के हो तो डायग्राम्स काम आते हैं ठीक है तुम लोग स्टेटमेंट वाइज इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हो इसलिए तुम्हें कभी नहीं आता ये तो बिल्कुल ध्यान से देखना मैं ले ले आई आई पी साइड ये मैं एन साइड कमिंग बैक टू दी क्लास मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया ठीक है अब ये जो पी साइड है दिस इज डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ ग्रुप एलिमेंट्स के थर्मल एब्रेशन की वजह से ठीक है और यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं यहाँ पर जो होल्स हैं वो ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट के थर्मल लेबरेशन की वजह से भी हैं लेकिन ज्यादातर जो होल्स हैं वो इसीलिए है बिकॉज हमने ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स ऐड किया था ये है एन साइड अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर होल्स कम हैं तो ये कितनी जेनुन सी बात है बच्चों यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा होल्स हैं डिफ्यूजन होगा खत्म डिफ्यूजन होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा थे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे होल्स जो जो पर पर बहुत ज्यादा थे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे करंट करंट आया है है उसी को डिफ्यूजन बोला जाता है, तो इसमें क्या मतलब आ, कौन सी रटने की बात है मैम अम्मी डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट ही नहीं क्लियर होता हम भूल जाते हैं बनाओ डायोड तो अभी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में होल जा रहे हैं इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली बात है करंट ऐसे आया ना तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन करंट होगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड तो आई कैन से ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर लिख भी लेते ठीक है थोड़ा सा लिख भी लेते कोई एक्सट्रीमली गुड कलर ये ठीक है तो आई कैन से अच्छा कलर है ड्यू टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ड्यू टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन दाइप एंड दी टाइप ठीक है इलेक्ट्रॉन जो है ऑब्वियसली बात है एन से लेके पी तक मूव करेंगे होल्स जो है पी से लेके एन तक मूव करेंगे तो क्या रॉकेट साइंस है यहां पर यहां पर अभी जो करंट आया है ठीक है यहां पर जो अभी करंट आया है इसी को क्या बोला जाता है इसी को डिफ्यूजन करंट बोला जाता है तो तुम देख पा रहे हो ना एक बार डायग्राम में कर लिया सो सो दिस अगर हमने स्टेटमेंट से शुरू करना था तो दिक्कत आ जाती डिफ्यूजन करंट तो डिफ्यूजन करंट कौन सी साइड से लेके कौन सी साइड तक है पी से लेके एन साइड तक है ठीक है अब हुआ क्या बिल्कुल ध्यान से देखना तो मस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए मस्त तरीके से होल्स यहाँ पर गए तो अभी यार अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस तरीके से चले गए तो कहना इसे कि यहाँ पर डोपेंट आइटम्स बच गए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर डोपेंट आइटम्स बच गए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है नहीं समझ रहे एक बार जरा सा देखना इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरीके से चले गए तो डोपेंट आइटम्स पॉजिटिवली चार्ज यहां पर छोड़ गए होल्स ऐसे चले गए तो नेगेटिवली चार्ज डोपेंट आइटम्स तुम्हारे पास यहां पर बच गए तो ये तुम्हारे पास एक रीजन बन गया जिसको डिप्लीशन रीजन बोला जाता है कैरियर्स नहीं, नहीं है और डिप्लीशन रीजन का जो, जो जोन पी की साइड पे लाइक है यहाँ पर होल्स नहीं है तो अभी अगर मैं इस डिप्लीशन रीजन की बात करूं तो डिप्लीशन रीजन वो रीजन है जिसके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डोपेंट आइटम्स प्रेजेंट होंगे और किसी भी तरीके का मेजोरिटी चार्ज कैरियर नहीं प्रेजेंट होगा जैसे कि होल्स नहीं प्रेजेंट होंगे पी वाली साइड और इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होंगे एन वाली साइड हाउ जेनुइन इज दिस हाउ जेनुइन इज दिस एक बार जरा सा देखो तो ये वाला मेरे पास जोन क्या आ गया आई कैन से कि ये मेरे पास जो, जो जोन आया है ये मेरे पास जो, जो जोन आया है दिस इज द डिप्लीशन जोन लिख देती हूं मैं इसके बारे में ठीक है आई कैन से दिस इज द डिप्लीशन रीजन

चार्ज डिवॉइड ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स डिवॉइड ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स अब अगर मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि यार दी ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखना अगर मैं ग्रुप थर्टीन सेमीकंडक्टर की बात करूं या फिर मान लो अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं जिसको नहीं समझ आ रहा है सुनोगे तो समझ आएगा डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं मैं नए टॉपिक पे चली गई हूँ इसका मतलब एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुआ है ऑन गोइंग है जब तक कोई चीज खत्म नहीं होती कैसे तुम ऐसे अपना इंतकाम <laughs> कैसे तुम अपना आ, पी टाइप और एन टाइप के दो सेमीकंडक्टर होते हैं हमें अच्छे से पता है यहां पर नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होंगे देन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे देन दी नंबर ऑफ होल्स तो आई कैन से कि चार्ज कैरियर्स दोनों प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों तरीके के चार्ज कैरियर्स दोनों में प्रेजेंट है लेकिन यहां पर होल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है दैट इज द रीजन ये हो गए तुम्हारे पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है इसीलिए आई कैन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स आर दी अपने हसी को पॉकेट में रखो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम थे होल्स यहां पर कम थे तो ये आगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स इन एन टाइप एक बार जरा सा यहां पर देख लीजिए तो अभी मैंने तुम्हें ये बोला है इलेक्ट्रॉन मस्त गए यहाँ से लेके यहाँ तक अभी इलेक्ट्रॉन गए तो तो पॉजिटिवली छोड़ के जाएंगे ना अभी वही तो हमने डिस्कस करें कि ग्रुप एलिमेंट होता है पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं चार इलेक्ट्रॉन को यूज करके कोवलेंट बॉन्ड बन गया जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो निकलता है और जब वो निकलता है तो अब ये ग्रुप 15 का एलिमेंट जिसको डोपेंट आटम बोला जाता है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज वही चीज तो हो रही है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड डोपेंट आटम्स का हो गया यहाँ पर यहां से ऐसे होल्स गए तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज आइटम्स का हो गया तो ये जो पूरी की पूरी जोन है इसको डिप्लीशन रीजन बोला जाता है कि इस डिप्लीशन रीजन में सिर्फ इमूवेबल डोपेंट आइटम्स है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं है जो कि होल्स हो जाएंगे पी की साइड पे और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एन की साइड पे ये पूरा का पूरा रीजन तुम्हारे पास डिप्लीशन रीजन है लेकिन बच्चों अभी हुआ ये कि जब यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड डोपेंट आइटम यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए और पॉजिटिवली चार्ज्ड डोपेंट पर पॉजिटिवलीट हो गए तो यहां पर तो पर फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही बन गई ना यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही बन गई इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है कि डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज्ड डोपेंट आइटम एन की साइड है और नेगेटिवली चार्ज्ड डोपेंट आइटम्स पी की साइड है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आगे मेरे पास बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को यहां पर नहीं आने देगी और इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर नहीं जाने देगी देखिए एक बार दिस इज सो ये तुम्हारे पास बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी फ्रॉम एन साइड साइड टू पी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट प्रमोट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है तो अगर बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो होल्स का डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में रुक गया इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में रुक गया तो इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं व्हाट इज करंट तो मैंने क्या बोला फटाफट से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं व्हाट डिड आई टेल यू सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला डिफ्यूजन की वजह से आया डिफ्यूजन करंट ठीक है नंबर सबसे पहले डिफ्यूजन हुआ सबसे पहले डिफ्यूजन हुआ डिफ्यूजन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का एन से लेके पी तक होल्स का हुआ P से लेके एन तक तो आई कैन से तुम्हारे पास डिफ्यूजन करंट आया और ये डिफ्यूजन करंट आ रहा है पी से लेके एन तक तो इनिशियली इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है ठीक है आई कैन से इनिशियली इनिशियली इट इज वेरी लार्ज इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज वेरी लार्ज क्योंकि भर भर के डिफ्यूजन हो रहे हैं इनिशियली इट इज वेरी लार्ज मान लो तुम क्लास टेंथ uh, से लेके जब क्लास इलेवन तक आते हो तो क्लास इलेवेंथ की बुक तुम्हें कितनी प्यारी लगती है नए नए चैप्टर्स तुम्हारा मन करता है एक ही दिन में सारी की सारी बुक खत्म कर दो और इट कैन वेरी मे बी इट वॉज जस्ट विद मी बाकी आई डोंट नो ठीक है तो इनिशियली द डिफ्यूजन करंट वॉज वेरी हाई अब इसकी वजह से क्या हुआ इसकी वजह से अब आ गया डिप्लीशन रीजन डेवलप हुआ डिप्लीशन रीजन डेवलप जब बच्चों depletion region develop हुआ, इसकी से क्या आई इसकी वजह से आई बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉ बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टिंग दिफ्यूजन करंट नॉ दिस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टिंग दिफ्यूजन करंट तो जो डिफ्यूजन करंट बिल्कुल अपनी मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा था अब वो कम शो कर रहे हैं तो आई कैन से डिफ्यूजन करंट डिक्रीज एक बार जरा सा देखिए आई कैन से कि डिफ्यूजन करंट डिक्रीज अब इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा अब इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होल्स है उसका मूवमेंट प्रमोट होगा फ्रॉम एन टू पी क्योंकि जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है एन से लेके पी तक है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट प्रमोट हो जाएगा फ्रॉम पी टू एन इसकी वजह से जो करंट आ रहा है इसी करंट को बोला जाता है ड्रिफ्ट करंट तो ड्रिफ्ट करंट कहां से लेके तक होगा एन से लेके पी तक होगा सो आई कैन से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टिंग डिफ्यूजन करंट एंड प्रमोटिंग ड्रिफ्ट करंट एंड प्रमोटिंग प्रमोटिंग द ड्रिफ्ट करंट सबसे पहले डिफ्यूजन हुआ बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड अब डिफ्यूजन करंट को ही काट रही है जिसकी वजह से ये बना है इट इज लाइक नारुतो में चलो ठीक है तो तुम समझ पा रहे हो जिससे बने हो तुम अभी उसी को काट रहे हो डिफ्यूजन करंट से बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी और अब ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को ही क्या कर रही है रेजिस्ट कर रही है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नया करंट क्रिएट कर रही है विच इज द ड्रिफ्ट करंट तो देखो ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में होल्स जा रहे हैं तुम लोगों को ब्लू में दिख रहा होगा इसके लिए भी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये देखो जो होल्स की मूवमेंट है होल्स की मूवमेंट इस डायरेक्शन में प्रमोट हो रही है उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस डायरेक्शन में प्रमोट हो रही है तो यहां पर ये ये जो करंट आ रहा है इसी को हम लोग ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करंट 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 बोल रहे हैं सो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड द द डिफ्यूजन तो मान लो पहले डिफ्यूजन करंट इतना था ये ड्रिफ्ट करंट था ही नहीं अब डिफ्यूजन करंट की वजह से बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसने डिफ्यूजन करंट को कम कर दिया ड्रिफ्ट करंट को बढ़ा दिया डिफ्यूजन करंट को कम कर दिया ड्रिफ्ट करंट बढ़ा दिया डिफ्यूजन करंट को कम कर दिया ड्रिफ्ट करंट बढ़ा दिया अब जब दोनों एक दूसरे के इक्वल टू हो जाएंगे नाउ यू कैन से दैट द डायोड इज रेडी टू बी यूज्ड खत्म ठीक है आई कैन से कि ये जो हमारी बैरियर की इनिशियली इनिशियली द डिफ्यूजन करंट वाज मैक्सिमम डिफ्यूजन करंट वाज मैक्सिमम

जो एन से लेके पी तक है इट बिकम्स इक्वल टू द डिफ्यूजन करंट जो पी से लेके एन तक है नाउ यू कैन से दैट द डायोड इज रेडी टू बी यूज मैम सीरियसली दिस इज नॉट ए क्रैश कोर्स सीरियसली का मतलब क्या होता है देखो केपेबिलिटीज होती है ना केपेबिलिटीज एज इन मुझे अच्छा नहीं लगेगा मुझे उल्टी आ जाएगी अगर मैं क्लास कोई ले रही हूँ मैंने पढ़ाया ना उसमें से कोई चीजें छोड़ दी ठीक है तो ये अभी तुम इसको अच्छा बोल लो या फिर बुरा बोलो बट दैट इज मी तो से डायोड इज रेडी ठीक है सब का अमेजिंग एक्सप्लेनेशन मिलेगा तुम क्यों स्ट्रेस लेते हो फटाफट से सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे आगे बढ़ते हुए ठीक है तो ये आ गया हमारे पास डायोड डायोड को किस तरीके से बनाया जाता है अब हम आगे क्या करेंगे अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि वंस डायोड इज रेडी टू बी यूज्ड सो देखो स्टोरी लाइन नहीं बन रही कि यार पहले हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी हमें अच्छा नहीं लगा हमने सोचा कि हमने सोचा कि यार कुछ एक ऐसा मटेरियल uh, होना चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सके तो फिर आगे सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि एक्चुअली में सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं हम उसमें भी खुश नहीं थे कि यार ये सेमीकंडक्टर की तो कंडक्टिविटी बड़ी कम है हमने इंप्योरिटी ऐड करके हमने दो सेमीकंडक्टर बना लिए अब वो दोनों सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज एक बार अब अभी हमें पता लगी दोनों सेमीकंडक्टर को हमने जोड़ के अब डायोड बना लिया अब एक बार जब डायोड बन गया अब हम बात करेंगे व्हाट डू वी डू ऑफ दिस डायोड सो नाउ द डायोड इज रेडी टू बी यूज्ड अब हम बात करेंगे कि हम उस डायोड का क्या करेंगे तो डायोड को हम लोग यूज करते हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके और उसी का मतलब होता है बायसिंग जैसे कि कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ बाइसिंग टर्म्स आपको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसिंग का मतलब होता है अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड ठीक है

पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे एक एक बैटरी बैटरी लगा लगा के न, लगा के ना तो अगर मान लो मैं पी साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दूं एन साइड पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दूं ये फॉरवर्ड बायसिंग है जैसे नॉर्मली हमें करने भी चाहिए अगर पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो और अगर एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो देन दिस इज रिवर्स बायसिंग वेरी जनरल ठीक है तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या आ गया लिख भी देते हैं इसको ठीक है आप जो महा बुद्धि मनुष्य जीव हैं क्या पता भूल जाए तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है हायर पोटेंशियल को हम लोग कनेक्ट uh, कर देते हैं पी की साइड उसी तरीके से कैन से लोअर पोटेंशियल को हम कनेक्ट कर देते हैं एन की साइड रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है हम लोग लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट कर देते हैं पी की साइड और हायर पोटेंशियल को कनेक्ट कर देते हैं एन की साइड अभी देखो इसकी वजह से होगा होगा क्या इसकी वजह से होगा ये अगेन दिस वेरी में रखा है पॉजिटिव को ब्लू में रखा है दिख रहा होगा ये रेड है ये ब्लू है अब तुम समझो ना यार यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव से भागे बहुत सारे होल्स हैं पॉजिटिव से भागे इनके भागने की वजह से जो करंट आया दैट इज दैट इज फॉरवर्ड बाइज करंट खत्म You have, ये, ये जो higher potential की वजह से क्या हुआ कलर दो इलेक्ट्रॉन ग्रीन में well. hmm. भागता है ठीक है नेगेटिव नेगेटिव से भागता है तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन्स भागे ऐसे सो द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन दाइड एंड पी साइड मूव The atoms थे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज डोपेंट आइटम्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया था अब अगर होल्स इस डायरेक्शन में आएंगे और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएंगे तो डिप्लीशन तो ये जो डिप्लीशन बिट था वो कम होगा ही होगा तुम्हें तो याद थोड़ी करना है ये पॉजिटिव so से होल नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन भागा अब बस इसकी वजह से जो करंट आ रहा है करंट की वैल्यू आई इस डायरेक्शन में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फॉरवर्ड करंट दिस फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू दूवमेंट ऑफ द मेजोरिटी चार्ज कैरियर विच इज होल ऑन दी साइड एंड इलेक्ट्रॉन ऑन दी एन साइड उसी तरीके से अभी अगर मैं रिवर्स बाइसिंग की बात करूं तो रिवर्स बाइसिंग में हमने क्या करा रिवर्स बाइसिंग में पी की साइड पे हम लोगों ने लगा दिया नेगेटिव लोअर पोटेंशियल एन की साइड पे हम लोगों ने लगा दिया हायर पोटेंशियल तो अब की बार यहाँ पर जो होल्स हैं वो नेगेटिव या फिर लोअर पोटेंशियल की टूवर्ड अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर पोटेंशियल की टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे तो आई कैन से यहाँ पर जो हमारे होल्स हैं होल की मूवमेंट हुई इस डायरेक्शन में हमारे जो होल्स हैं बच्चों

विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन यहाँ पर और बढ़ गया यहाँ पर डिप्लीशन रीजन की विथ हमारी थोड़ी सी कम हो गई थी दीज आर दी मेजर थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट रिवर्स बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग तो यहाँ पर हमारा रिवर्स बायस करंट किस डायरेक्शन में आया इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आ गया तुम्हारे पास रिवर्स करंट ठीक है एक बार जरा सा देख लो इनको लिख लेते हैं अब तो ये देखो ये आ गया तो मेरे पास फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग अभी आओ एक बार जरा सा आराम से लिख लेते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने क्या करा बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने लोअर पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया जो डिस्कस किया है अब मैं बस उसको रिपीट करके लिख रही हूँ तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ डू नॉट आस्क मी टू रिपीट बिकॉज आई विल ग्रेजुअली डू इट ठीक है लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट कर दिया तुम लोगों ने एन के साइड पे ठीक है हायर पोटेंशियल को तुम लोगों ने कनेक्ट कर दिया पी के साइड पे इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भागे इलेक्ट्रॉन भागे टूवर्ड आईकेशन रीजन टूवर्ड्स दिप्लीशन रीजन उसी तरीके से आईके नीचे वाले केस में होल्स भागे टूवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन तो इसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की विथ क्या हो गई कम हो गई इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों देखो ना कितना जेनवन है कहानी की फॉर्म में करोगे तो कहानी ही दिखेगी और वही दिखनी भी चाहिए तो no so, इसकी इसकी वजह वजह से से क्या हुआ? यहां पर जो करंट आया है इट इज करंट इट इज करंट बड़ा करंट होता है दिस इज दर्ड करंट फॉरवर्ड बायस्ड करंट होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स बड़ा करंट होता है मिली एम्पेयर में होता है एक बार जरा सा देख लो ठीक है उसी तरीके से रिवर्स बाइसिंग में क्या हुआ बच्चों अब ये भी लिख देते हैं यहां पर हम लोगों ने हायर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया एन की साइड लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट uh, कर दिया पी की साइड अब इसकी वजह से क्या हुआ इसकी वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करे अवे फ्रॉम द डिप्लीशन रीजन अवे फ्रॉम द डिप्लेशन रीजन यहां पर जो होल्स थे वो मूव करे अवे फ्रॉम द डिप्लेशन रीजन अभी अपने काम के ऊपर ध्यान दो ट्रैड व्रैड जो मर्जी बोले वॉट हाउ डज इट अफेक्ट यू कोई बच्चा मान लो अगर आके स्पैम कर रहा है मत देखो मैं मुझे दिख जाएगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगी तो अभी ऐसा थोड़ी मैं कोई टॉपिक समझा रही हूँ तुम तो बीच में डिस्कशन शुरू करोगे कि व्हाई डू स्पैमर्स एग्जिस्ट मैम अभी आप जो पढ़ा रहे हैं no, है, कहाँ जा रहा है हमारा देश ऐसे थोड़ी कर सकते हो तुम लोग तो इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द डिप्लीशन रीजन होल्स मूव अवे फ्रॉम द डिप्लीशन रीजन तो आई कैन से ऑफ द डिप्लीशन रीजन विट ऑफ द डिप्लीशन रीजन इनक्रीजेस एक बार जरा सा देख लीजिए तो यहां पर, यहां पर आ जाता है बच्चों रिवर्स बायस्ड करंट यहां पर आ जाता है रिवर्स बायस्ड करंट ये रिवर्स बायस्ड करंट होता है बच्चों ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स छोटे होते हैं तो रिवर्स बायस्ड करंट भी छोटा होता है ये माइक्रो एम्पेयर के टर्म्स में होता है ठीक है इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हो ये माइक्रो एम्पेयर के टर्म्स में होता है तो तुम देख पा रहे हो दिस इज For you. ये हमने कर दी फॉरवर्ड बासिंग आगे आ जाते है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं देखो ये फॉरवर्ड बांट लगाया तो जो करंट आया वो फॉरवर्ड करंट है रिवर्स बायस uh, अगर तुम पोटेंशियल लगाओगे तो जो करंट आएगा वो रिवर्स बायस्ड करंट है जेनविन नहीं है एक बार जरा सा देखिए जब तुम लोगों ने फॉरवर्ड बाइसिंग करी जो करंट आया वो फॉरवर्ड करंट है ठीक है उसी तरीके से जब तुमने रिवर्स बाइसिंग करी तो जो तुम्हारे पास करंट आया वो तुम्हारे पास रिवर्स करंट है फॉरवर्ड बाइस्ड करंट बड़ा होता है मैंने अभी बताया है वो मिली एम्पियर की टर्म्स में होता है रिवर्स बाइस्ड करंट छोटा होता है तो ये छोटा करंट माइक्रो एम्पियर की टर्म्स में होता है तो अभी इसको थोड़ा सा और समझते हैं सबसे पहले ये वाले जोन को देखते हैं तो ये वाला जोन क्या है मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड करंट बढ़ाया लेकिन अभी तक फॉरवर्ड करंट आ तो रहे लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा मैंने थोड़ा सा और थोड़ा सा और उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की अब भी ज्यादा करंट नहीं आया एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इस तरीके से शूट कर जाता है फॉरवर्ड करंट उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड या फिर इन वोल्टेज जो 0.2 होता है 0.2 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए और जीरो पॉइंट एक मिनट जो जीरो पॉइंट टू वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए और जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए तो एक बार जरा सा लिख लेते हैं मैंने क्या बोला है मैंने यहाँ पर ये यह बोला है कि तुमने फॉरवर्ड पोटेंशियल बढ़ाया ठीक है तुमने फॉरवर्ड पोटेंशियल बढ़ाया तो जो फॉरवर्ड करंट है वो भी बढ़ रहा है बट वेरी स्लोली बट वेरी स्लोली वेरी स्लोली जो तुम्हारे पास स्पेसिफिक फॉरवर्ड बाइस्ट पोटेंशियल है इसी को थ्रेश या फिर कट इन वोल्टेज बोला जाता है एक बार जरा सा यहाँ पर देख लीजिए ये आ गया मेरे पास रेक्टरिस्टिकॉर फॉरवर्ड बाइसिंग अभी बच्चों अगर तो सबसे तो यहाँ पर जो मेरे पास रिवर्स करेंट है रिवर्स बाइस्ड करेंट है इट इज वेरी स्मॉल और होना भी चाहिए इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल फिर बाद में एट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वी आर स्पेसिफिक वैल्यू आर इनिडली आई आर बस यही जो तुम्हारे पास स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वी आर है जिसके बाद रिवर्स बायस करेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसी को ब्रेकडाउन पोटेंशियल बोला जाता है देखो उसी को ब्रेकडाउन पोटेंशियल बोला जाता है करके दिखाओ कॉम्प्लीकेटेड Like, क्या कॉम्प्लिकेट करोगे v इज e, ऐसा तो है नहीं तुम्हें वी इज इक्वल टू आई आर भी पता है तो अभी v की वैल्यू बढ़ाओगे तो i की वैल्यू बढ़ेगी ना तो अभी फॉरवर्ड में क्या हो रहा है तुम फॉरवर्ड uh, पोटेंशियल uh, को बढ़ा रहे हो फॉरवर्ड करंट भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एक पॉइंट ऐसा आएगा तुम वी आई uh, uh, तुम वी एफ फॉरवर्ड पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब फॉरवर्ड करंट एकदम से शूट करेगा थ्रेशोल्ड और कट इन पोटेंशियल उसी तरीके से अभी अगर मैं रिवर्स बाइसिंग की बात करूं तो तुमने रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाया ज्यादा सिग्निफिकेंट इनक्रीज तुम लोग रिवर्स करेंट में नहीं देख पा रहे हो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद बहुत बड़ा रिवर्स करेंट आएगा और उसी पोटेंशियल को ब्रेकडाउन पोटेंशियल बोला जाता है देखो सिर्फ इतना है नहीं कर रहे कॉम्प्लीकेट बहुत अच्छी बात है अगर नहीं कर रहे कॉम्प्लिकेट तो नोट डिम्पी आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एज सच एक बार जरा सा यहाँ पर देख लीजिए ठीक है देखो अगर जो मैं मैं कोई चीज पढ़ा रही हूँ अगर मान लो तुम्हारा उस पर नहीं है और तुम्हारा किसी और टॉपिक पे ध्यान है इट ड नॉट शो कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो बींग एबल टू एनालाइज कौन सा टॉपिक छूट गया ये वो ये वो नहीं इट जस्ट मीन्स यू लैक दैट स्टूडेंट क्वालिटी फॉर द लव ऑफ नॉलेज क्योंकि मैं ये भी तो पढ़ा रही हूँ ये भी तो इम्पोर्टेंट है तो अगर तुम ये इस टॉपिक के डिस्कशन में कोई और टॉपिक लेके आओगे फिर तो दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए तो एक बार जरा सा देख लीजिए ये आगे तुम्हारे पास वीआई करेक्टरिस्टिक दो चीजें समझ आनी चाहिए एक तो तुम्हारे पास थ्रेश होल्ड पोटेंशियल और एक आ गया तुम्हारे पास कट इन पोटेंशियल ठीक है जस्ट अलाउ मी वन सेकेंड ठीक है एक मिनट तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ मैं ठीक है देखो अभी अगर मैं यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग के ब्रेकडाउन की बात करू ना तो मुझे एक और पॉइंट याद आया एंड दैट इज इंपॉर्टेंट विच इजनर एंड एवेलेंचे ब्रेकडाउन तो अभी मान लो तुमने एक डायोड की रिवर्स बाइसिंग कर रखी है सब अच्छे टॉपिक के ऊपर वापस आ जाएंगे मान लो तुम लोगों ने रिवर्स बाइसिंग कर रखी है और तुम्हें अच्छे से पता है कि कभी भी तुम लोग अगर रिवर्स बाइसिंग करोगे तो सबका एक ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है सबका एक ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है ठीक है ब्रेकडाउन पोटेंशियल क्या है ब्रेकडाउन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसके बाद एकदम से बहुत ही बड़ा तुम्हारा रिवर्स बायस्ड करंट आएगा या फिर मैं बोल बोल सकती हूँ कि अब वो जो डायोड है खराब हो चुका है क्योंकि होता क्या है कि जब तुम रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो मान लो अगर तुम इतना ज्यादा रिवर्स पोटेंशियल बढ़ा देते हो सच दैट बॉन्ड ब्रेकेज शुरू होने लग जाती है इलेक्ट्रॉन्स होल्स मूव करने लग जाते हैं और वो दूसरे बॉन्ड्स के साथ टकरा के उनको भी तोड़ देते हैं तो एक बहुत बड़ा करंट आता है विच इज द रिवर्स बायस करंट तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब ये ब्रेकडाउन तुम एक हाईली डोप्ड एक हाईली डोप्ड पीएन डायोड में देखते हो पी एन डायोड में देखते हो तो ये हो जाता है जीनर ब्रेकडाउन ये हो जाता है बच्चों जीनर ब्रेकडाउन तो ऑब्वियस ही बात है हाईली डोप्ड है तो जीनर ब्रेकडाउन पहले होता है तो आई कैन से जीनर ब्रेकडाउन पहले होता है पहले होता है किससे पहले होता है एवेलेंचे से कि जो अभी मैंने तुम्हें हाईली डोप्ड पीएन डायोड के बारे में बताया ना मान लो अगर ये ब्रेकडाउन तुम लोग लाइटली डोप्ड लाइटली डोप्ड पी डायोड में देखते हो पी डायोड में देखते हो तो सेम ब्रेकडाउन को बिल्कुल एवेलें ब्रेकडाउन ब्रेक ब्रेक बोला जाता है, ब्रेक है ये बाद में होता है ये बाद में होता है बाद में होता है अभी इसका क्या मतलब है अभी तुरंत समझाती हूँ ये आ गया तुम्हारा जीनर ब्रेकडाउन एक मिनट ठीक है ये तो आ गया बच्चों कर दूंगी और क्लास खत्म होने के बाद तो ये वाले में हमें अब भी थोड़ी सी दिक्कत है तो वो वाला टॉपिक एक और बार देख लेना पहले होता है बाद में होता है इसका मतलब ये है कि मान लो अभी अगर मैं यहाँ पर ऐसे ग्राफ बनाती हूँ वी आई का ग्राफ बनाती हूँ ठीक है तो अगर जीनर केस में अगर हाँ� Ziener के केस में ये है ना तुम्हारे पास ग्राफ ठीक है तो बच्चों के केस में तुम्हारे पास ग्राफ़ ऐसे आएगा समझे ये बताना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है टू काइंड ऑफ ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन जो तुम रिवर्स बाइसिंग में नोटिस करते हो एक ऐसे पीएन डायोड में जो हाइली डोप्ड था

और घर में पिज्जा आ रहा है ऐसे नहीं कि अब की बार थोड़ा सा एक बाइट ले लेती हूँ नेक्स्ट टाइम से नहीं लूंगी वो एक बाइट भी मत लो तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी ना ब्रेक हो उसको एक बार भी मत ब्रेक होने दो क्योंकि वट एवर है किसी रीजन की वजह से यू डू नॉट अटेंड द क्लास तुम्हारे दिमाग में आएगा कि बाद में कर लेंगे अब जब तुम वो बाद में करोगे तुम्हें लगेगा कि ओके दिस इज ऑल्सो डूएबल सो वाई आर वी इवन अटेंडिंग लाइव क्लासेस और तुम्हारी कंसिस्टेंसी गई फिर बाद में धीरे धीरे वो अफेट तुम्हें अ, मतलब अपनी प्रिपरेशन जर्नी में भी दिखने लग जाएगा सो नो मैटर वॉट बी कंसिस्टेंट इन टेकिंग द क्लासेस एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू डू दम लाइफ ठीक है आगे बढ़ते हुए आगे आ गया बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डाइट ठीक है जस्ट अलाउ मी वन सेकेंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट uh, हमारे पास आ गया बच्चों एप्लीकेशन ऑफ अ डायोड तो देखो सबसे पहला एप्लीकेशन नाउ वी आर स्टार्टिंग क्शन इन दमेंट सेक्शन दॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ ए डायड तो अभी हमने देखा कि भाई डायोड हम कैसे बनाते हैं डायोड की अग्रॉस हम किस तरीके से पोटेंशियल कर देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग केस में हाउ डू वी डिफाइन द्रेश होल्ड और कट ऑफ पोटेंशियल एंड रिवर्स बाइसिंग के केस में हाउ डू वी डिफाइन दी ब्रेक डाउन पोटेंशियल अब जो पहला एप्लीकेशन डायोड का है इट इज द लाइट एमेटिंग डायउड अभी देखो लाइट एमेटिंग डायोड क्या होता है लाइट एमेटिंग डायोड बच्चों वो डायोड होता है जो हाईली डोप्ड है हाईली डोप्ड डायोड है यहाँ पर जो पी साइड है उसके अंदर भर भर के होल्स हैं, जो एन साइड है उसके अंदर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तुमने इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी तो ऑब्वियसली बात है फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे तो फॉरवर्ड करंट आएगा जो ऑलरेडी बड़ा होता है फॉरवर्ड करंट और ज्यादा बड़ा होगा अगर तुमने डायोड की बहुत ज्यादा डोपिंग करी हुई है 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 कि नहीं तो हाईली डोप्ड डायोड फॉरवर्ड करंट बहुत बड़ा आएगा तो डिप्लीशन रीजन पे क्या होगा ना कि कुछ कुछ जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इन टू लाइट एनर्जी तो आई कैन से कि डिप्लीशन रीजन में यहाँ पर क्या होता है आई कैन से मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी वो भी हाईली डोप्ड डायोड में तो so, इसकी वजह से जो फॉरवर्ड करंट आया है ये फॉरवर्ड करंट बहुत बड़ा होगा दिस फॉरवर्ड करंट इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज ठीक है एंड आई कैन से दैट सम नॉट ऑल ऑफ इट सम ऑफ़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इन टू लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी तो ये जो लाइट एनर्जी है ही बात है दिस इज गोइंग टू बी इन दी फॉर्म ऑफ विजिबल फोटॉन्स इन विजिबल फोटॉन्स तो दिस इज अड इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं पूरी एनसीआर देख लेना एलईडी के बारे में तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक डायोड है हाईली डाउट उसकी तुमने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी तो फॉरवर्ड करेंट आ गया बहुत बड़ा फॉरवर्ड करंट आया कि उसमें से अगर कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना तो तुम्हें वो फोटोन की तरह दिखाई देगा तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि ये हमारे पास डायोड है इस तरीके से इनकेटेड है और यहां से लाइट एनर्जी या फिर आई कैन से यहां से फुटॉन इस तरीके से निकल रहे हैं दिस इज एलईडी तो अभी एलईडी के बारे में एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए बिकॉज ये एनसीआरटी में लिखा हुआ है कि ऑब्वियस uh, बात है यहाँ पर वो क्या रहा है कि फोटोन क्यों निकल रहे हैं फोटोन निकल रहे हैं बिकॉज कुछ अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट कन्वर्ट हो रहा है कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इन दी लाइट एनर्जी तो एक बार जरा सा सोच के देखो कि अगर मैं फॉरवर्ड करंट बढ़ा दू फॉरवर्ड करंट मैं कैसे बढ़ाऊंगी फॉरवर्ड पोटेंशियल बढ़ा के या फिर मैं और ज्यादा हाईली डोप्ड डायोड ले लूं किसी भी रीजन से अगर मैं फॉरवर्ड करंट बढ़ा दूं तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं एक सेकंड में वो इनक्रीज हो गया Now more उसकी में फॉरवर्ड करंट दसिटी ऑल्सो इनक्रीजेस इनिशियली ठीक है that if you the current, the also अब तुम तो होगी ज्यादा लालची नेचर अलाउ नहीं करता ज्यादा लालच ठीक है तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट पे तुम लोगों को मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिल जाएगी तो दिस इज फॉरवर्ड करंट दिस इज दैट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट जिसके लिए तुम्हें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई अभी अगर तुम्हें यहाँ पर भी लालच है कि नहीं हमें तो और ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए नहीं अब अगर इससे भी ज्यादा अगर तुम लोग फॉरवर्ड करंट बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज कर जाएगी दिस इज योर लाइट एमिटिंग डायोड विच इज यूज इन रिमोट कंट्रोल्स एंड बर्गुलर अलार्म सिस्टम्स दूसरा डिवाइस आ गया बच्चों तुम्हारे पास सोलर सेल ठीक है तो जब भी मैं सोलर सेल करवाती हूँ मैं ये बात ज़रूर बताती हूँ लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ लाइक मुझे नेचर पसंद है इस तरीके से तो मेरा बर्थडे समथिंग था ये दो से तीन साल पहले की बात है तो मेरे बर्थडे पे मेरे पापा ने हमारे uh, कैथल वाले घर पे बिकॉज uh, वहाँ पर हमारी दादी वगैरह रहती है दैट इज आर होम विच इज़ आर कल्चरल होम है ठीक है तो वहां पर पूरे घर में सोलर सेल्स लगाए थे सो आई ऑलवेज टेल दिस बिकॉज दैट वॉज सच अ अलस्टर तो सोलर सेल क्या है सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अब की बात लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा फोटो डायोड लाइट एमिटिंग डायोड ने क्या किया लाइट एमिटिंग डायोड ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया कैसे क्योंकि हमने उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करके बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट लगा दिया था अब की बार सोलर सोलर सेल सेल क्या करेगा सोलर सेल, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा किस तरीके से बिल्कुल ध्यान से देखना डायोड में बच्चों दो साइड होती है ठीक है ध्यान से सुनिएगा बहुत इजी है डायोड में दो साइड होती है एक होती है एन साइड एक होती है पी साइड अभी फर, तो सोलर सेल इस तरीके के होते हैं एक धूप की तरफ फेस कर रहे होते हैं एक साइड धूप की तरफ फेस करेगी और एक साइड ऑब्वियसली बात है तो पीछे की डायरेक्शन में होगी तो कोई भी साइड जो धूप की तरफ तुम लोग फेस करवा रहे हो ताकि सोलर सेल काम करे उसके रीजन को तुम्हें बिल्कुल थिन रखना है जैसे कि इट डज नॉट मैटर कि मैं ऊपर पी की साइड रखूं धूप की साइड या फिर एन की साइड रखूं कोई भी साइड रखूंगी वो बिल्कुल छोटी होनी चाहिए बिकॉज मेजर मकसद हमारा ये है कि जितने भी फुटॉन्स आ रहे हैं सनलाइट से आ रहे हैं वो डिप्लीशन रीजन में जाके गिरे तो अभी मान लो अगर मैं पी की साइड को ऊपर रखती हूँ और पी की साइड को मैं मोटा कर दूँ तो ये जो फुटॉन है वो पी रीजन में कहीं जाके गिरेगा रीजन में गिर रहे हैं। तो ऊपर वाली साइड को, तो को हम लोग थिन रखेंगे मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ तो ऊपर वाली साइड को हमने थिन रखा ताकि जितने भी फुटॉन्सन रीच द डिप्लीशन रीजन अब बच्चों एक बार जब ये फुटॉन डिप्लिशन रीजन में आ गए ना इन्होंने बॉन्ड्र ब्रेक कर दी है जैसे ही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि एक बार ये जो हमारे फोटॉन्स हैं है ना कहानी जैसे ये जो हमारे फोटॉन्स हैं वो डिप्लीशन रीजन में एंटर करते हैं वो डिप्लीशन रीजन में एंटर करते हैं दीज फोटॉन्स विल जनरेट दीज फोटॉन्स विल जनरेट इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स इलेक्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स इन द डिप्लीशन रीजन so i can say these generated these generated electrons and holes will move will move under the action of barrier electric field under the action ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे मतलब ये कैसे तो तुम कॉम्प्लिकेट करोगे अभी समझना यहाँ पर ये मेरे पास ये डायग्राम है अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी बन गए होल्स भी बन गए जरा सा कलर्स की हेल्प से आपको समझाया जाता है ये आ गया मान लो ये एक होल बन गया इस होल के साथ एक इलेक्ट्रॉन बना है ठीक है ये एक होल बन गया इस होल के साथ एक इलेक्ट्रॉन बना है ये एक होल बन गया और इस होल के साथ एक इलेक्ट्रॉन बना है तो बारि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को प्रमोट किया जाएगा और इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट को प्रमोट किया जाएगा तो आई कैन से होल चल दिए यहाँ पर होल चल दिए यहाँ पर होल चल दिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल दिया ऐसे इलेक्ट्रॉन चल दिया ऐसे इलेक्ट्रॉन चल दिया ऐसे करंट विच इजरेटेड दिस इज दिन जो तुम एक तरीके से देखो तो रिवर्स बाइस्ड करंट है इफ यू लुक केयरफुलिस इजर्स बाइस्ड करंट देखिए बस यही है यह तुम्हारे पास सोलर सेल

ठीक है फोटॉन्स को डिप्लीशन रीजन में गिरने दूंगा इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट हो जाएंगे डिप्लीशन रीजन की वजह से मूव करेंगे और यहाँ पर करंट आ जाएगा ये जो करंट है फॉरवर्ड बाइस्ड करंट है देखो जो तुम्हारे पास फॉरवर्ड uh, करंट होता है फॉरवर्ड करंट यहाँ से लेके यहाँ तक होता है यहाँ पर जो करंट हो रहा है वो रिवर्स बाइस्ड करंट है तो अगर मान लो सोलर सेल इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट ना हो और वो थोड़ी सी एक्सटर्नल हेल्प ले ले दैट इज अ फोटो डायोड जनरेट so, करने के लिए लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा हेल्प ले रहे हैं टू अ बैटरी कि अगर मैं एक पीएन एक डायोड ले लू उसकी रिवर्स बायसिंग कर दू उसकी रिवर्स बाइसिंग कर दूं तो अब मेरे पास ये जो डायोड बना है वो फोटो डायोड है तो देखो यहाँ पर भी इस तरीके से फोटॉन्स गिरे डिप्लीशन रीजन में बच्चों इस तरीके से डिप्लीशन रीजन में इस तरीके से फोटोन गिरे डिप्लीशन रीजन के अंदर फोटो गिरे इन फोटो की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हुए ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रमोट कर दिया है रिवर्स बाइसिंग ने भी कि रिवर्स बाइसिंग यही बोलता है ना कि होल्स जो हैं इस डायरेक्शन में मूव करें और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस डायरेक्शन में मूव करें तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ने ऐसी मूवमेंट शो करनी थी लेकिन यहां पर अभी एक्सटर्नल हेल्प देने को हमारे पास एक बैटरी आ गई तो अब जो हमारा ये सोलर सेल है वो बन गया फोटो डायोड तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द एन साइड टुवर्ड्स द एन साइड जो होल्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पी साइड तो तुम लोग देख पा रहे हो वी आर एबल टू कन्वर्ट वी आर एबल टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी इंटू यहां पर एक रिवर्स बाइस्ड करंट आया है इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ऑब्वियस ही बात है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिरेगी उतना ज्यादा फोटो करंट आएगा

तो बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि अभी जो मैं तुम्हें समझाने वाली हूँ ये तुम्हारे न्यूमेरिकल अप्रोच में हेल्प करेगा यहाँ तक अभी तक जितना जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारे थेरोटिकल क्वेश्चन होंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे तो ये पूरी की पूरी क्लास का मैं पहला टॉपिक छेड़ छेड़ रही हूँ जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा विच इज डायोड इन अ सर्किट तो मान लो बच्चों अगर डायोड सर्किट में है और उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो रखी है मान लो अगर उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो रखी है तो याद रखना इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ वायर इट इज गोइंग टू बिहेव एजर बड़ा जेनवन सा है और तुमने उसकी रिवर्स कर रखी है देन इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ ब्रोकन वायर आई कैन सी इट इज गोइंग टू एन साइड को ऊपर रख दो पी साइड को ऊपर रख दो कोई, uh, फर्क नहीं पड़ता महक एज आई क्लियरली टोल्ड यू एज वेल इन सोलर से ठीक है अब यहाँ पर वापस आ जाएंगे छोड़ दो पिछले वाले टॉपिक्स को वी हैव स्टार्टेड विद द न्यू टॉपिक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स इजी टॉपिक अगर मैं बात करू सेमी कंडक्टर्स की तो यहाँ से चार मोस्ट स्कोरिंग एटी टॉपिक्स आते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले तो हो गया डोपिंग वगैरह से रिलेटेड दूसरा आ गया डायोड इन सर्किट ठीक है तीसरा आ गया ट्रांजिस्टर चौथा आ गया लॉजिक गेट्स तो एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं ये दूसरा पार्ट अभी खत्म करते हैं हम लोग ठीक है तो अगर डायोड सर्किट पे है तुमने फॉरवर्ड बाइसिंग करा चुके, अगर करा दिए इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ वायर अगर रिवर्स बाइसिंग कर दिए इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ ब्रोकन वायर टूटी हुई वायर की तरह बिहेव करेगा ये करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा ठीक है सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए दूसरी चीज ये यह, बच्चों यहाँ पर जीनो जीनर डायोड के बारे में जान लो कि जीनर डायोड एक्ट्स एज अ पोटेंशियल रेगुलेटर एक्ट एज अ पोटेंशियल रेगुलेटर या फिर वोल्टेज रेगुलेटर पोटेंशियल रेगुलेटर या फिर वोल्टेज रेगुलट

जैसे कि एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये पहला न्यूमेरिकल पार्ट है पूरे के पूरे चैप्टर का कि तुम्हारे पास ये पूछा हुआ है कि अगर डायोड को मैं इस तरीके से रख दूं देन व्हाट इज द द करंट इन डायोड अब तुम दे पर देख रहे होगे कि ये पांच वोल्ट की बैटरी है ये जीरो है इसके रिवर्स बाइसिंग हो, रखी है दैट इज नॉट ट्रू ध्यान से देखो बैटरी कैसे कनेक्टेड है ये मेरे पास ग्राउंडिंग मैंने कर रखी है तो ध्यान से देखना एक ही एग्जाम्पल लिया इसलिए बढ़िया एग्जाम्पल लिया है ग्राउंडिंग मैंने कर रखी है तो ऑब्वियसली बात है जीरो वोल्ट पे होगा सैटरडे को जो सेमी कंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स की यूट्यूब वीडियो आई ना गलती से भी वो मिस मत कर देना हम इन फास्ट ट्रैक सेशन में लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे ऑब्वियस बात है लेकिन उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करवा दूंगी बाकी आई फील लाइक कि क्लास के क्वेश्चंस और डीपीपी के क्वेश्चन से ऑल ओवर कवरेज हो जाती है तो ये आ गया जीरो वोल्ट के ऊपर तो पॉजिटिव को मैंने कनेक्ट कर दिया पी साइड को मैंने कनेक्ट कर दिया जीरो वोल्ट से अब ये जो हमारा एन साइड है इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ़ बैटरी से कनेक्ट किया है मतलब ये आ गया इज फॉरवर्ड इज नॉट जीरो पर आ गया नेगेटिव फाइव वोल्ट तो एज यू ऑल कैन सी पी की साइड को मैंने लोअर हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करा है एन की साइड को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करा है सो फॉरवर्ड बायस्ड तो ये बिल्कुल नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा तो आई कैन से कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस है पांच वोल्ट का ठीक है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस की वैल्यू है दस ओम तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई फाइव वोल्ट डिवाइडेड बाई टेन ओम विच इज इक्वल टू जीरो तो पॉइंट फाइव एम्पियर जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर जी एक ही, क्वेश्चन एक ही लिया तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट ऐड कर देती हूँ ठीक है अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना अभी ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि दिस इज अ डायोड तुम लोग देख पा रहे हो ये तुम्हारे पास डायोड है डायोड इस तरीके से एक रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है तो अगर तुम लोग इनपुट अगर तुम्हारे पास इनपुट वेव फॉर्म ये है तो आउटपुट वेव फॉर्म कैसी होगी ये तुम्हारे पास 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था तो देख लो कैसे अटेम्प्ट करते हैं बिकॉज दिस इज वेरी जेन तुम्हें क्या करना है ना तुम देखो ये जो तुम्हारे पास इनपुट है मैं ऐसा करती हूँ ये वाला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर के बाद करवाती हूँ नहीं ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें रेक्टिफायर के बात कराती हूँ वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा अभी ये वाला क्वेश्चन देख ली ठीक है वो हम लोग रेक्टिफायर के बात करेंगे एक बार बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखना अब क्वेश्चन ये है डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू वोल्ट इसका मतलब क्या इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायोड है इट विल ऑलवेज रिमेन फिफ्टीन वोल्ट नो मैटर वॉट तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पंद्रह वोल्ट का है

पंद्रह का है तो यहां से लेके यहां तक पांच का होगा तो तुम्हें यहां पर पता लगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ गया फाइव वोल्ट का थोड़ा सा डार्क में लिख देती हूँ ये जो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आए ये आया है फाइव वोल्ट का तुम्हें करंट अक्रॉस दी डायोड निकालना है ना तो आ तो गया तुम देखो यहां से तुम्हारे पास मेन करंट आ गया आई ये ठीक है यहां से चला गया आई वन ठीक है यहां से आ गया जो करंट डायोड के अक्रॉस जा रहा है तो तुम लिख दो ना डायोड के अक्रॉस जो करंट है इट इज इक्वल टू आई माइनस आई वन आई माइनस आई वन की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते ये देखो V इज इक्वल टू आई आर करो इसके लिए 250 ओम का रेजिस्टर है पांच वोल्ट है आई की वैल्यू आएगी उसी तरीके से V इज इक्वल टू आई आर करो इसके लिए वन किलो ओम का रेजिस्टर है पंद्रह वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस आई वन की वैल्यू आ जाएगी अगर आई वन आ गया आई आ गया तो तुम्हारे पास डायोड के अक्रॉस करंट भी आ जाएगा बाकी और प्रैक्टिस लोग डीपीपी की हेल्प से कर लेना जो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे चुकी हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स पे एक वीडियो ऑलरेडी सैटरडे को आ जाएगी इस चैप्टर के ऊपर ठीक है आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए अब रेक्टिफायर बहुत ये बड़ा प्यारा टॉपिक है लेकिन उससे पहले लेट लेटेस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक एटलीस्ट फॉर लाइक आई जस्ट नीड टू मिनट्स ब्रेक नाइन नाइन थर्टी फोर पे शुरू करेंगे We'll start the class. So let us take a small aadat सो dal lena मत डाल लेना है? बिल्कुल बैठ के काम करना सीख लो तो यहाँ पर एक छोटा सा break. तीन और आधे घंटे का तुम्हारा पेपर है पांच वोल्ट कैसे आया मानसी तुम इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट हो गया ये बीस वोल्ट है बीस वोल्ट का पंद्रह वोल्ट यहाँ पर आया तो पांच वोल्ट यहाँ पर आ गया ना तो बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया हाँ, दो मिनट का ब्रेक बस बस इससे ज्यादा ब्रेक जरूरत भी नहीं है ये एक हजार पांच सौ बच्चे अगर मुझे ब्रेक के बाद नहीं दिखे तो मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी रोते रोते कि आई एम सच अ गुड टीचर इस तरीके से <laughs> <laughs> Hmm, आज मॉक्स विद टी भी है बेरीज <tell> ब्रिक <noise> देखो देर आर अ टोटल ऑफ सिक्सटी सिक्स लाइट्स लॉजिक गेट्स में पंद्रह मिनट लगेंगे बस है ना अभी हम लोग थर्टी फोर्थ स्लाइड पे एक घंटे में हो जाएगा खत्म सुनो ना सुनो ना सुन लो ना कितनी गंदी बैरी थी अच्छा बैरी नहीं है ये अंजीर है

पर अंशिका ने लिखा हुआ है दीदी इज नॉट अ गुड टीचर वहां पर मुझे हार्ट अटैक आ गया आगे बढ़ा फिर शी इज मार्वेल पिकासो टीचर देखो आई दिस इज नॉट दैट आई नीड वैलिडेशन फ्रॉम यू बट इट इज ऑलवेज नाइस दैट यू आर वर्किंग फॉर दिस डेडिकेटेडली एंड दे नो दैट आई लव तो अगर तुम्हें है ये रियलाइजेशन तो अच्छी बात है चलो शुरू करते हैं हो गया खतम 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 खत्म आ जाओ जस्ट ड्रिंक सम वॉटर रेक्टिफायर खत्म करेंगे मैं एजुकेशन की डॉन हूं मैं एजुकेशन की प्रिंसेस हूँ गॉड इट क्योंकि मेरी मम्मी सुंदर है इसीलिए आओ तो और मैं जिम जाते हैं पुलिंग यू बैक टू द क्लास आ जाइए रेक्टिफायर के ऊपर बात करते हैं देखूँ कितने बच्चे हैं 50 बच्चे भाग गए चल स्टार्टिंग विद द रेक्टिफायर अभी देखो रेक्टिफायर क्या है ना मान लो तुम्हारे पास एक सर्किट है सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट है तुम्हें होगी चुल हम पूरे अभी दो घंटे से जो कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं वो किस आ, कौन से कॉमन फैक्टर के ऊपर बेस्ड है चुल के ऊपर बेस्ड है दैट वी वर नॉट हैप्पी विद हाउ थिंग्स व हम उसके अंदर थोड़े से चेंजेस लेके आए उसको मॉडिफाई करने के लिए ठीक है तो उसी तरीके से मान लो तुम्हारे पास एक सर्किट में एसी था तुम्हें उसको डीसी में कन्वर्ट करना है तो उस जो डिवाइस को हम लोग यूज करेंगे उसको रेक्टिफायर बोला जाता है फटाफट से इसको निपटाते हैं टाइम है ठीक है एक बार जरा सा देख लीजिए सो रेक्टिफायर आदि डिवाइसेस जिसकी हेल्प से एक सर्किट के अंदर अगर इसी अल्टरनेटिंग uh, करंट है तो हम उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो दो तरीके के रेक्टिफायर हैं एक तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है और बच्चों एक हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है दोनों के ऊपर आ जाओ एक बार डिटेल्ड डिस्कशन कर लेते हैं अभी मान लो बच्चों दिस इज अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज पहले इस पूरे के पूरे डायग्राम को समझो ये हमारे पास आ गया प्राइमरी कॉइल विच इज रिलेटेड टू द इनपुट जो एसी से कनेक्टेड है जहां पर जो करंट है अल्टरनेटिंग नेचर का है जहां पर जो पोटेंशियल है अल्टरनेट अल्टरनेटिंग नेचर का है ये है हमारे पास सेकेंडरी आउटपुट लूप विच इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू आउटपुट तो हमें यहाँ पर एसी है हमें यहाँ पर डीसी चाहिए तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर एक डायोड यूज करेंगे अब देखो डायोड क्या करता है ना मान लो ये आगे तुम्हारे पास वेव फॉर्म ये आगे तुम्हारे पास अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज ठीक है तो पहली साइकिल देखो इसकी ये आगे तुम्हारे पास पहली साइकिल तो पहली साइकिल ने क्या करा पहली साइकिल पॉजिटिव साइकिल है ना मतलब उसने यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट कर दिया यहाँ पर उसने हायर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया यहाँ पर लोअर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया

इसका मतलब अब ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस्ड हो गया ये कंडक्ट नहीं करेगा इट विल बिहेव एज अ ब्रोकन वायर तो ऑल दो तुम्हारे पास इनपुट आया है तुम्हारे पास किसी भी तरीके का आउटपुट तुम लोग यहाँ पर नहीं देख पाओगे फिर बच्चों तुम्हारे पास आया अगेन तुम्हारे पास पॉजिटिव हाफ ऑफ दी साइकिल आया ये जरा सा देखिए दिस इज दी पॉजिटिव हाफ ऑफ दी साइकिल पॉजिटिव हाफ ऑफ दी साइकिल ने यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया यहाँ पर जीरो अगेन फॉरवर्ड बाइज हो गया फॉरवर्ड बाइज हो गया तो ऑब्वियसली बातें भी कंडक्ट करेगा तो अगर तुम्हारे पास इनपुट ऐसे है तो तुम्हें आउटपुट बिल्कुल उसी तरीके से मिल जाएगा फिर आखिर में तुम्हारे पास आ गया नेगेटिव हाफ ऑफ दी साइकिल नेगेटिव हाफ ऑफ दी साइकिल में यहाँ पर आ गया नेगेटिव यहां पर आ गया जीरो दोबारा से कंडक्ट नहीं करेगा तो ऑल तुम्हारे पास इनपुट है तुम्हें आउटपुट नहीं मिल पाएगा दिस इज दाफ वेव रेक्टिफायर तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव हाफ ऑफ दी साइकिल में जो हमारा डायोड है उसकी फॉरवर्ड पाइसिंग हो रही है तो वो करंट कंडक्ट कर रहा है

तो तुम देख पा रहे हो सिर्फ पॉजिटिव हाफ ऑफ़ दी साइकिल में ही तुम्हें आउटपुट देखने को मिल रहा है ये जो ग्राफ है यहाँ पर आगे मेरे पास आउटपुट पोटें ये आगे मेरे पास इनपुट पोटेंशियल का ये आगे मेरे पास आउटपुट पोटेंशियल का अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें या तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे या फिर फ्रीक्वेंसी बेसिस पे आएंगे टाइम पीरियड टी है तो आउटपुट पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कितना होगा तो तुम यहाँ पर देखो ना यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल है पहले पॉजिटिव हाफ फिर नेगेटिव हाफ फिर पॉजिटिव हाफ फिर नेगेटिव हाफ वही चीज हमारे आउटपुट में है पहले पॉजिटिव हाफ फिर जीरो फिर पॉजिटिव हाफ फिर जीरो तो आई कैन से कि अगर मेरे पास इनपुट की फ्रीक्वेंसी म्यू है आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी म्यू रहेगी अगर इनपुट का टाइम पीरियड टी है तो आउटपुट का भी टाइम पीरियड तुम्हारे पास कितना रहेगा टी रहेगा आई एम होपिंग दिस इज एक्सट्रीमली क्लियर टू ऑल ऑफ यू और एक भी बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं है तो आई कैन से इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट टाइम पीरियड इज इक्वल टू द आउटपुट टाइम पीरियड

डायरेक्शन दट इज द रीजन वन थिंग दैट आई कैन से अबाउट दउटपुट पोटेंशियल दैट वी आर गेटिंग इज इट इज अ टाइम वेरिंग और आई कैन से वेरिएबल डीसी करेंट इट इज अबल डी सी ही लेकिन इसका मैग्निट्यूड चेंज हो रहा है सो दिस इज अ वेरिएउटपुट ठीक है ये आ गया हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर ये और क्लियर होगा जब एक बार हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हमने इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इसके पॉजिटिव हाफ ऑफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर पा रहे हैं नेगेटिव हाफ ऑफ साइकिल में हम किसी भी तरीके का आउटपुट नहीं देख पा रहे दैट इज इज रीजन दिस अ हाफ वेव रेक्टिफायर अभी मान लो मुझे पॉजिटिव हाफ में भी आउटपुट चाहिए और नेगेटिव हाफ में भी आउटपुट चाहिए तो मैं यहाँ पर दो डायउ लगाऊंगी एक डायोड मैंने ऊपर लगा दिया विच इज डायोड वन एक डायोड मैंने नीचे लगा दिया विच इज डायोड टू अब देखना दोबारा से देखो वही बात होगी सबसे पहले आया हमारे पास ये इनपुट इस इनपुट ने यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया तो बात है इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई ठीक है आई कैन से कि इसने यहां पर जीरो कर दिया तो इसकी रिवर्स बाइसिंग हो गई तो ये कंडक्ट करवाएगा ये कंडक्ट करवाएगा ये कंडक्ट कर नहीं करवाएगा तुम्हारे पास आउटपुट आ गया तुम्हारे पास आउटपुट आ गया अब तुम्हारे पास ये नेगेटिव हाफ ऑफ दी साइकिल आया नेगेटिव हाफ ऑफ दी साइकिल ने यहां पर पॉजिटिव करके ऊपर जीरो कर दिया या फिर आई कैन से ऊपर नेगेटिव करके जीरो कर दिया या तो मैं ये बोल सकती हूँ ने यहां पर जीरो कर दिया या मैं इसको मोर अप्रोप्रिएटली ऐसे बोल सकती हूँ कि ऊपर जीरो कर दिया नीचे पॉजिटिव कर दिया तो अब इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई अब की बार ये कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन जो भी है तुम्हारे पास आउटपुट आया है फिर बाद में अभी अगर मैं ये वाली साइकिल की बात करूं तो अगेन अगेन ये वाली साइकिल में ऊपर गया पॉजिटिव नीचे आया तुम्हारे पास जीरो तो ऊपर वाले की होगी बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग नीचे वाला कंडक्ट नहीं करेगा व्हाट्स एवर एक डायोड ने कंडक्ट करा है तो तुम्हारे पास आउटपुट जरूर से आएगा ठीक है और लास्ट वाले केस की बात करूं तो लास्ट वाला केस भी देख लो लास्ट वाले केस में अगेन ऊपर आ गया तुम्हारे पास जीरो नीचे आ गया पॉजिटिव इसकी होगी फॉरवर्ड बायसिंग ये कंडक्ट करेगा ऊपर वाला कंडक्ट नहीं करेगा तो नी, तो दोबारा से तुम लोग आउटपुट देख पा रहे हो तो तुम लोगों ने पूरी की पूरी वेव को क्या कर दिया है रेक्टिफाई कर दिया है तो ये जो तुम्हारे पास यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है वी कैन नॉट से दैट दिस इज अंस्टेंट डीसी करंट वी कैन से दैट दिस इज वेरिएबल वेरिएबल है एक ही डायरेक्शन में लेकिन यहां पर वेरिएबल डीसी आउटपुट तुम लोगों को मिला है तो आई कैन से पॉजिटिव हाफ ऑफ दी पॉजिटिव हाफ ऑफ दी साइकिल में डायोड डायोडन कंडक्ट कर रहा है पॉजिटिव हाफ ऑफ दी साइकिल में जो तुम्हारे पास डायोड वन है जो तुम्हारे पास डायोड वन है डायोड वन कंडक्ट करेगा ठीक है डायोड टू की हो गई थी रिवर्स बाइसिंग जो भी है तुम्हें आउटपुट मिला जो भी है वॉटर तुम लोगों को आउटपुट देखने को मिला नेगेटिव हाफ ऑफ दी साइकिल में जो तुम्हारा डायोड नंबर वन है उसकी बार रिवर्स बाइसिंग हो गई और तुम्हारा जो डायोड नंबर टू था की बार उसने कंडक्ट करा तो आई कैन से वॉट्सो एवर तुम्हें आउटपुट यहां पर भी देखने को मिला एक बार जरा सा देख लीजिए तो ये आ गया तुम्हारे पास पॉजिटिव हाफ ऑफ दी साइकिल पॉजिटिव हाफ ऑफ दी साइकिल में हमारा डायोड नंबर वन फॉरवर्ड बाइसिंग शो करता है तो वो हमें इस तरीके से आउटपुट दे देगा नेगेटिव हाफ ऑफ दी साइकिल में जो नीचे वाला डायोड है नीचे वाला डायोड कंडक्ट करता है तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो ये वाले केस में भी यू आर एबल टू सी आउटपुट हाँ मैग्नेट्यूड चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होगा तो हमें डायरेक्शन को ही फिक्स करना था हमें अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करना था मतलब द मेजर थिंग दैट वी वर दैट वी हैड टू डील विद वाज नॉट द मैग्नीट्यूड बट दी डायरेक्शन तो रेक्टिफायर की हेल्प से तुमने अभी ए को डी में कन्वर्ट कर दिया भले ये जो डी है तुम्हारा वेरिएबल मैग्नेट्यूड का है एक बार जरा सा यहाँ पर देख लीजिए अब बच्चों अगर मैं टाइम पीरियड वगैरह की बात करूँ तो देखो यहाँ पर पूरी की पूरी साइकिल ये है यहाँ पर पूरी की पूरी साइकिल ये है मान लो दिस इज कैपिटल टी यहाँ पर तो पूरी की पूरी साइकिल ये है ना विच इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय टू कैपिटल टी बाय टू एक बार जरा सा देखिए तो क्या मैं यहाँ पर अभी बोल नहीं सकती कि जो मेरे पास आउटपुट का टाइम पीरियड होगा वो इनपुट के टाइम पीरियड से आधा होगा या फिर जो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी से डबल होगी खत्म एक बार जरा सा देख लीजिए आई एम होपिंग दिस इज क्रिस्पी क्रिस्पी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पर मेरे पास ये एक साइकिल था जिसपे एक पॉजिटिव हाफ था एक नेगेटिव हाफ था यहाँ पर ये एक साइकिल था जिसके अंदर पॉजिटिव uh, हाफ अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है तो आई कैन से कि अगर इसका टाइम पीरियड चार सेकेंड है इसका टाइम पीरियड दो सेकेंड है तो आई कैन से आउटपुट टाइम पीरियड इज हाफ ऑफ द इनपुट टाइम पीरियड और आई कैन से दैट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल द इनपुट फ्रीक्वेंसी अब आ गया हमारे पास अभी ये वाला क्वेश्चन करो अब तुम्हें ये ज्यादा क्लियर होगा अब तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होने वाले दो हजार पंद्रह का क्वेश्चन है तुम्हें यहाँ पर जो इनपुट वेव फॉर्म दी हुई है आउटपुट वेव फॉर्म हुई है तो तुम यहाँ पर देखो ना तुम्हारे पास एक सेगमेंट बच्चों ये है तुम्हारे पास दूसरा सेगमेंट ये है और तुम्हारे पास तीसरा सेगमेंट ये है जो मैंने अभी पढ़ा है मैं बस सिर्फ और सिर्फ उसको रिपीट करने वाली हूँ तो अभी बच्चों अगर मैं पहले वाले सेगमेंट की बात करूँ तो नेगेटिव में गया ना तो रिवर्स बाइसिंग नहीं हुई इसकी नेगेटिव में गया ना ये देखो नेगेटिव हाफ ऑफ दी साइकिल है नेगेटिव हाफ ऑफ दी साइकिल है इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास जीरो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास नेगेटिव फाइव यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास जीरो किसी भी तरीके का है ही नहीं मतलब ये कंडक्ट ही नहीं करेगा तो मैं यहाँ पर किसी भी तरीके कंडक्शन देखने को नहीं मिलेगी ठीक है? उसी तरीके से अभी अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करू तो दूसरे वाले केस में यहाँ पर गया पॉजिटिव फाइव की बार ये कंडक्ट करेगा अब की बार ये कंडक्ट करेगा ठीक है क्योंकि अब की बार इसकी होगी फॉरवर्ड बाइसिंग तो कंडक्ट करेगा फिर अभी अगर मैं ग्रीन वाले केस की बात करूं अब यहाँ पर गया नेगेटिव फाइव दोबारा से इसने कंडक्ट करना छोड़ दिया तो ये सिर्फ एक बार कंडक्ट कर रहा है ये सिर्फ एक बार कंडक्ट कर रहा है और पांच का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो एक बार कंडक्ट करता हुआ पांच का पोटेंशियल डिफरेंस तुम सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हो अच्छे से अभी जो मैंने बोला है इस चीज को कंज्यूम करो कंज्यूम दी नॉलेज जो अभी मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड की है बिकॉज बड़ा बड़ी जेनविन सी चीज है पहले वाले केस में तो देखो रिवर्स बाइसिंग हो गया ना तो मैं यहां पर लिख देती हूँ पहले वाले केस में हो गया रिवर्स बाइसिंग ठीक है जो हमारा दूसरे वाला केस है दूसरे वाले केस में हुआ फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग वो कंडक्ट करेगा तीसरे वाले केस की बात करूं तो तीसरे वाले केस में दोबारा से रिवर्स बाइसिंग हो गया ठीक है तो, तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो हमें इस तरीके का इस तरीके का ग्राफ मिलेगा पहले तुम्हें आउटपुट पोटेंशियल मिल ही नहीं रहा देखो आउटपुट पोटेंशियल जीरो यहां पर भी तुम्हारे पास आउटपुट पोटेंशियल जीरो बस एक बार में तुम्हें आउटपुट पोटेंशियल पांच वोल्ट के इक्वल टू मिल रहा है जब उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हुई थी दिस इज येलो वाला पार्ट नो no आउटपुट पोटेंशियल पांच वोल्ट का आउटपुट पोटेंशियल नो no आउटपुट पोटेंशियल ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है और प्रैक्टिस तुम लोग करोगे क्वेश्चन बैंक से या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप से बच्चों फास्ट ट्रैक कवरेज है हम यहाँ पर बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं इसलिए सैटरडे को क्वेश्चन टाइप्स पे वीडियो आ जाएगी तुम्हारे पास अगर तुम्हें और क्लियरेंस चाहिए ये जरा सा देख लो ठीक है अब आ गया हमारे पास अगेन वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स विच इज ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर के बाद है बच्चों लॉजिक गेट्स एंड देन वी विल बी डन विद क्लास ठीक है तो लॉजिक गेट्स कम टाइम लेते टाइम लगेगा यहाँ पर ट्रांजिस्टर में तो बिल्कुल अभी आराम से सुनना ध्यान पूरा इसके अंदर डाल लो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ट्रांजिस्टर्स अभी जब हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स वगैरह बनाए हम कंडक्टर से खुश नहीं थे तो हमने सेमीकंडक्टर बना लिए एक बार जब हमारे पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना तो उनको यूज करके हमने डायोड बनाए डायोड में दो लेयर थी एक थी पी की एक थी एन की अब हमने इसको डायोड को हजार तरीके से यूज करा एलईडी की तरह यूज करा फोटो डायोड की तरह यूज़ करा सोलर सेल की तरह यूज करा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करा रेक्टिफायर की तरह यूज करा अब हम क्या करेंगे अब की बार हम लोग तीन लेयर्स लेके आएंगे और तीन लेयर्स को स्टडी करेंगे तो जब तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर की तीन लेयर्स आ जाती है उसको ट्रांजिस्टर बोला जाता है अभी यहाँ पर तीन लेयर्स हैं एक को एमिटर बोलते हैं एक को बेस बोलते हैं एक को कलेक्टर बोलते हैं आई कैन सी मेनी कमेंट जो ये बोल रहे है, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ये बोल रहे माम ये हमें पहले कभी नहीं आया इस क्लास के बाद आएगा लिख के ले लेना ठीक है मैं इसके ऊपर आराम से ट्रांजिस्टर के ऊपर बीस मिनट देने वाली हूँ तो पूरा का पूरा अटेंशन यहाँ पर डाल दो ठीक है बहुत जेन्यन है बस स्टोरी लाइन कन्फिगर करने की कोशिश करना तो तीन रीजन है ट्रांजिस्टर में एक को बोला जाता है एमिटर एक को बोला जाता है बेस एक को बोला जाता है कलेक्टर एमिटर बच्चों वो रीजन है विच इज गोइंग टू बी हाईली डोप्ड इन नेचर ठीक है क्योंकि एमिटर का मतलब ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एमिट करता है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करने के लिए इट शुड बी हाईली डोप्ड ठीक है तो हम इसकी बिल्कुल हाई डोपिंग करते हैं हम एमिटर की बिल्कुल हाई डोपिंग करते हैं अभी अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस का मेजरली काम होता है थोड़ा सा चार्ज कैरियर जो एमिटर से आ रहा है उसको कंज्यूम करना तो आई कैन से बेस इज गोइंग टू बी वेरी लाइटली डोप्ड बेस इज गोइंग टू बी वेरी लाइटली ठीक है सब चीज रिपीट हो जाएगी सुनते जाना दिस इज गोइंग टू बी वेरी लाइटली डोप्ड ठीक है उसी तरीके से अभी अगर मैं मान लो बच्चों में भी बात करूं तो ये जो बेस है इसकी मिनिमम इन रीजन एमेटर बेस एंड कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू देयर डोपिंग ठीक है ऑल द लेयर्स आर डिफरेंट कैसे कैसे डिफरेंट है कैसे हमें पता लगा कि एमिटर बेस और जो uh, कलेक्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं क्योंकि सबसे पहले इनकी डिफरेंट डोपिंग है सबसे ज्यादा डोपिंग होती है एमिटर की सबसे कम डोपिंग होती है बेस की तो सबसे पहले तो आ गया डिफरेंट डोपिंग फिर इनकी विथ अलग अलग होती है तो आई कैन से इनकी विथ अलग अलग होगी डिफरेंट विथ डिफरेंट विथ ये एक और आ गया तीसरी चीज आ जाती है डिफरेंट बायसिंग अब इस ये डिफरेंट बायसिंग का मतलब क्या मैं तुम्हें समझाती हूँ डिफरेंट बाइसिंग का मतलब क्या है डिफरेंट बाइसिंग का मतलब ये है कि हमारे पास अभी यहाँ पर दो रीजन है जैसे कि अगर मैं एमिटर बेस और कलेक्टर की बात करूं ना तो एमिटर और कलेक्टर हमेशा सेम नेचर का होता है जैसे कि मान लो एमिटर को मैंने एन रखा बेस उल्टे नेचर का होना चाहिए पी और फिर बाद में कलेक्टर दोबारा से एन हो जाएगा या फिर मान लो अगर मैंने एमिटर को पी रखा तो मुझे कलेक्टर को भी पी रखना है और बीच में मुझे उसको एन के साथ सेपरेट कर देना है

रिवर्स बाइसिंग करते हैं ताकि जो मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो काम करे बिल्कुल सुनते जाना मैं बहुत बार रिपीट करने वाली हूँ ठीक है तो ये जो तीनों की तीनों लेयर है तीन फैक्टर्स पे आ, पे डिफर कर रही है एक तो डिफरेंट डोपिंग है डिफरेंट विथ है और बाइसिंग डिफरेंट है ठीक है कि कलेक्टर और एमिटर दोनों सेम नेचर के हैं लेकिन हम लोग एमिटर की फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं और जो ये मेरा कलेक्टर है इसकी रिवर्स बाइसिंग करते हैं आज जो एक बार जरा सा इसको समझते हैं डू डू वी दिस और ये जो ट्रांजिस्टर है काम कैसे करता है ठीक है तो अभी बच्चों यहाँ पर जरा सा देखिएगा तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने एनपीएन लिया हुआ है यहाँ पर मैंने एनपीएन लिया हुआ है दी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर आई एम टेकिंग राइट नाउ इज एनपीएन क्योंकि मैं एनपीएन भी ले सकती हूँ बच्चों में पी एन पी भी ले सकती हूँ है कि नहीं तो अभी मैंने यहाँ पर एनपीएन लिया हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एमिटर है मेरे पास एन के टाइप का कलेक्टर है मेरे पास एन के टाइप का बेस आ गया मेरे पास पी के टाइप का एमिटर की मैं फॉरवर्ड बाइसिंग कर रही हूँ तो एन को मैं लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रही हूँ सी की मैं रिवर्स बाइसिंग uh, कर रही हूँ मतलब एन को मैं लोअर हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रही हूँ ठीक है इसकी कर दी मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग इसकी कर दी मैंने रिवर्स बाइसिंग अब बिल्कुल सोच के देखना एमिटर से स्टार्ट करो स्टोरी लाइन बिगन फ्रॉम दी एमिटर एक बार जब मैं पी एन पी लूंगी यहाँ पर मैंने एनपीएन लिया है यहाँ पर मैं पी एन पी लूंगी एवरीथिंग विल बी रिपीटेड तो अभी सबसे पहले एमिटर के ऊपर गौर फरमाओ अभी बच्चों अगर मैं यहाँ पर एमिटर की बात करूँ तो एमिटर के अंदर भर भर के इलेक्ट्रॉन थे अब मैंने यहाँ पर लोअर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी ना यहाँ पर आ गया लोअर पोटेंशियल यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से भागेगा एमिटर हाईली डोप्ड था तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से निकल के बेस में गए तो आई कैन से एमिटर इज हाईली डोप्ड सबसे पहले आई कैन से एमिटर इज हाईली डोप्ड तो इसके अंदर हाईली uh, डोप्ड है उसी तरीके से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एन टाइप का है तो आई कैन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फ्रॉम एमिटर, फ्रॉम द एमिटर और ये एंटर करेंगे बेस के रीजन में दे विल एंटर बेस रीजन, ऑल द विल एंटर बेस रीजन, विल कितना प्यारा ये विल एंटर बेस रीजन, अब इलेक्ट्रॉन किसके साथ रिकम्बाइन करता है होल्स के साथ रिकम्बाइन करता है तो बेस में होल्स हैं दिक्कत की बात नहीं है लेकिन बेस में कम होल्स हैं ठीक है रुको ये डिस्चार्ज हो गया तो मैं क्या कह रही थी एमिटर एन टाइप का था तुमने उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी तो फॉरवर्ड बाइसिंग करने से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले दूर चले फ्रॉम दी पॉइंट जहां पर तुमने फॉरवर्ड बाइसिंग करी हुई है अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के आगे बेस में इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करता है होल के साथ ठीक है तो ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इनके पास रिकम्बाइन करने को बेस रीजन में होल्स बहुत कम है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन कर जाएंगे बेस में और ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे वो के चले जाएंगे के पास। तो जो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की हुई है इन रीजन दैट इज करंट जो करंट बेस में आया है ड्यू टू द रिकम्बिनेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बेस करंट और जो करंट आया है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव करे हैं कलेक्टर रीजन में दैट इज द कलेक्टर करंट बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर द बेस रीजन दिक्कत क्या थी यहाँ पर दिक्कत यहां पर सिर्फ ये तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भर भर के बट देर आर नॉट सफिश होल्स इन द बेस रीजन आई कैन से देर आर आर नॉट आर नॉट सफिशेंट

अरे क्या हो रहे हैं ठीक है आई कैन से मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द द कलेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द कलेक्टर वैसे भी कलेक्टर की तुमने रिवर्स बाइसिंग कर रखी है यहाँ पर हायर पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन यहाँ तक डिसअपॉइंट होके आया उसने देखा ओ हायर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो एक और बार रिपीट करती

कलेक्टर की कर दी रिवर्स बायसिंग तो पी साइड को रिवर्स बायस करोगे उसको लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दोबारा से बिल्कुल ये जो हमने कहानी देखी है यही कहानी अब की बार यहां पर भी रिपीट होगी कि मेरे पास एमिटर था ये एमिटर था बिल्कुल हाईली डोप्ड हाईली डोप्ड और अब की बार ये जो मेरे पास एमिटर है वो है पी टाइप का अब मैंने एमिटर की साइड पे कर दी फॉरवर्ड बायसिंग तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया तो होल्स भागेंगे आपकी बार जैसे पिछले वाले केस में इलेक्ट्रॉन भागे थे तो ऑब्वियस ही बात है ये वाले केस में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स भागेंगे तो आई कैन से कि इसकी वजह से होल्स मूव टुवर्ड्स द होल्स मूव टुवर्ड्स द बेस रीजन टुवर्ड्स द बेस रीजन अब बेस में इलेक्ट्रॉन्स तो है ताकि वो होल्स के साथ कंबाइन करें लेकिन बेस है लाइटली डोप्ड तो आई कैन से वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन इन देश रीजन आर अवेलेबल ताकि वो क्या कर सके ताकि वो इन इनकमिंग रिकम्बिनेशन शो कर सके चले जाएंगे बच्चों एक बार जरा सा देखो क्या ये चीज क्लिक हुई तो होल्स मूव टूवर्ड्स रीजन बट यहाँ पर वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू रिकम्बाइन आर अवेलेबल टू recombine so i can say that the few holes will recombine okay i can say few holes will recombine in the base region will recombine in the base region but majority of the holes but majority of the holes will move towards the collector move towards

ने जो चार्ज कैरियर्स दिए हैं मैं अभी यहाँ पर लिख देती हूँ कि यहाँ पर करंट कैसा कैसा आ रहा है एक तुम्हारे पास करंट है विच इज रिलेटेड टू दी एमिटर तो एमिटर में जो एमिटर से रिलेटेड जो एमिटर करंट है दैट इज ड्यू टू दी फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो ऑफ द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन दीजन इन दीजन फिर बाद में यहां से आ रहा है एक बेस करंट ड्यू टू द रिकम्बिनेशन ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ दीज फ्यू चार्ज कैरियर्स ऑफ दीज फ्यू चार्ज कैरियर्स इन दी बेस रीजन और फिर बाद में आ रहा है तुम्हारे पास कलेक्टर करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ ड्यू टू द मोशन ऑफ रिजेक्टेड रिजेक्टेड चार्ज कैरियर्स दैट कुडंट रिकम्बाइन दूडंट रिकम्बाइन इन देश रीजन तो मैं यहां पर डेफिनेटली बोल सकती हूं कि एमिटर करंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बेस करंट कलेक्टर करंट चाहे किसी भी तरीके का ट्रांजिस्टर हो आई एम होपिंग मैंने तुम्हारी पूरी स्टोरी लाइन क्लियर कर दी हो मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो एमिटर के रीजन से आ रहे हैं अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर होल्स हो ठीक है

ना इसको अच्छे से लिखेंगे वेरी फ्यू होल्स विल रिकम्बाइन इन देश रीजन उसी तरीके से हमने यहां पर देखा ओनली वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन विल रिकम्बाइन इन देश रीजन तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्यू बेस करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी होती है और मेजरली जो तुम्हारा एमिटर करेंट है कलेक्टर में ही जाता है एक बार जरा सा देख लीजिए दिस इज दर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर ये ट्रांजिस्टर इस तरीके से काम करता है ठीक है अब यहाँ पर ये जो तुम लोग दो डायग्राम देख पा रहे हो ये दोनों डायग्राम इम्पॉर्टेंट है लेकिन बड़े की तो एक एंड आ गया ट्रांजिस्टर का ये दूसरा ट्रांजिस्टर दूसरा एंड आ गया ये तीसरा एंड आ गया ये बेस को डिनोट करने के लिए हम एक्चुअली में इस तरीके से एक सीधी लाइन बोलते हैं कि दिस इज देश ट्रांजिस्टर सो दिस इज देश रीजन दिस इज दल एन बेस रीजन दिस इज दिसक्टर अब पी एन पी में ये मेरे पास पी टाइप है ये एन टाइप है और ये मेरे पास uh, P टाइप है. NPN में ये एन टाइप है ये पी टाइप है ये एन टाइप है तो आई कैन से यहाँ पर होल जैसे आए हैं ना यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन जैसे आए हैं तो करेंट बनाओ यार करंट बनाओ तो तुम्हारे पास जो एमिटर करंट है ऐसे ही होगा ऑब्वियस सी बात है तो हम एरो ऐसे शो करते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एमिटर करंट इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी वजह से करंट ऐसे होगा तो यहां पर दिस इज गोइंग टू बी द एमिटर करंट तो यहां पर एमिटर करंट आउटवर्ड है एमिटर करंट यहां पर इनवर्ड है जितना करंट आता है हमेशा उतना करंट जाता है तो ट्रांजिस्टर के अंदर अगर एमिटर करंट आ रहा है तो बेस से और कलेक्टर से करंट निकलेगा और एनपीएन में अगर एमिटर से करंट निकल रहा है इसका मतलब बेस के ऊपर करंट आया है और कलेक्टर के ऊपर करंट आया है इसके बारे में और डिटेलिंग में तुम लोग जान जाओगे एक बार जब हम लोग कॉमन बेस और कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा

कॉमन एमिटर का मतलब ये जो एमिटर है वो बेस के साथ कनेक्टेड होगा एक सर्किट में और कलेक्टर के साथ कनेक्टेड होगा दूसरे सर्किट में तो आई कैन से सर्किट में एमिटर इज वन जो कॉमन है दोनों सर्किट्स में तो ये क्या हो गया ये मेरे पास आ गया कॉमन एमिटर अरे बाप रे अभी थैंक यू नहीं बोलो ना अभी मुझे पढ़ाने दो ना बच्चों फ्लो बनने दो ठीक है आई एम वेरी हैप्पी अगर तुम्हें ट्रांजिस्टर पहली बार इतना अच्छे से क्लियर हो रहा है लेकिन लेट अस फोकस ऑन दिस ठीक है क्योंकि ये जैसे ही डायग्राम आता है बच्चे को लगता है कि खाना चाहता है ये डायग्राम उन्हें ऐसा नहीं है देखो कितना प्यारा डायग्राम है कितना बेसिक डायग्राम है समझना ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है अब मैं इस ट्रांजिस्टर को दो तरीके से कनेक्ट कर सकती हूँ या तो एमिटर को मैं कॉमन ले लू कि एमिटर और बेस के बीच में बन जाए एक सर्किट है ना और एमिटर और कलेक्टर के बीच में बन जाए दूसरा सर्किट तो दोनों सर्किट्स में कौन कॉमन है एमिटर कॉमन है तो ये कॉमन एमिटर हो गया उसी तरीके से मान लो अगर मैं ट्रांजिस्टर को ऐसे कनेक्ट करूं सच दैट बेस इज दी पार्ट जो कॉमन है ये वाले सर्किट में भी और ये वाले सर्किट में भी तो वो आ गया मेरे पास कॉमन बेस ठीक है अब चाहे मैं वो NPN की बात कर लू बच्चों या फिर मैं पीएनपी की बात करूं जब तक एमिटर कॉमन है दोनों सर्किट में वो कॉमन एमिटर है उसी तरीके से जब तक बेस कॉमन है दोनों सर्किट में तब तक आई कैन से वो कॉमन बेस है ठीक है

ये बेस है इसके साइड में जो रेजिस्टर है उसको आरबी बोल दिया ये जो एमिटर है इसके साइड में रेजिस्टर को आरई -E बोल दिया ये कलेक्टर है इसके साइड में रेजिस्टर को आरसी बोल दिया ये कलेक्टर है इसके साइड में रेजिस्टर को आर सी बोल दिया अब हम हमेशा ट्रांजिस्टर uh, को यू नो वर्किंग मोड पे लाने के लिए हम इनपुट डालते हैं तो वो इनपुट होती है ये वाली बैटरी दिस इज द इनपुट पोटेंशियल दिस इज द इनपुट पोटेंशियल ठीक है

ये है एमिटर फॉरवर्ड बाइसिंग मैंने इसकी कर दी बाय कनेक्टिंग इट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इनपुट बैटरी ठीक है है एमिटर मैंने इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी बाय कनेक्टिंग इट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ठीक है कलेक्टर की हम रिवर्स बाइसिंग करते करते हैं तो एक बैटरी हमारे पास उसके लिए भी चाहिए तो ये वाली बैटरी को वीसीसी बोला जाता है तो वीसीसी इज द बैटरी जिसकी हेल्प से हम लोग कलेक्टर की क्या करते हैं रिवर्स बाइसिंग करते हैं जैसे कि यहाँ पर देखना

जो, जो बैटरी है इतना लें अब आगे बच्चों अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट बताऊं कुछ कुछ बच्चों को डायरेक्शन ऑफ द करंट में दिक्कत हुई होगी जब मैंने अभी बताया होगा अब बिल्कुल ध्यान से सुनना ये पीएनपी कॉमन एमिटर है पीएनपी में ऑब्वियसली है होल्स ऐसे जा रहे हो ना बच्चों देखो ना दिस इज द मूवमेंट ऑफ द होल्स बिकॉज मेरे पास जो एमिटर है टाइप का है सो इफ दिस दिस इज द द द द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ऑफ होल्स विल बी करंट तो आई कैन से इस डायरेक्शन में आया तुम्हारे पास एमिटर करंट तो ये तो तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तुम्हारा जंक्शन रूल हो गया ना कि एक जंक्शन पे जितना करंट जा रहा है आ रहा है उतना ही करंट जाएगा अभी तो इस ट्रांजिस्टर पे पहुंच रहा है आई ई करंट इसका मतलब इस ट्रांजिस्टर से निकलेगा भी इक्वल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर इस तरीके से बेस करंट बन के यहाँ पर इस तरीके से कलेक्टर करंट बन के आपकी बार करंट के डायरेक्शन सिखा रही हूँ उसी तरीके से यहां पर आना एक बार पी में कॉमन बेस ले लो तो कॉम्प्लिकेट करो ही मत ना ये मेरे पास इमिटर है पी टाइप का है होल्स भेजेगा ऐसे तो करंट आएगा ऐसे तो मेरे पास ये आ गया एमिटर करंट आपकी बार एमिटर करंट ट्रांजिस्टर के पास जा रहा है तो ट्रांजिस्टर से इतना ही करंट निकलेगा बेस करंट बन, बन के तो रटो मत ये सारी चीजें लो कितनी सारी चीजें याद रखोगे बायो नहीं है तुम्हारे तो पास याद रखने को एक बार जरा सा यहाँ पर देखिए आगे इसी के ऊपर बच्चों बिल्ड करते हुए ये भी देख लो अब की बात मैं यहाँ पर एनपीएन ले रही हूँ मैं यहाँ पर एनपीएन ले रही हूँ तो गौर फरमाइएगा ये है मेरे पास एमिटर ये है एन के टाइप का ये भेजेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे भेजेगा तो करंट ऐसे आएगा तो एमिटर करंट आया आपकी बार बाहर की डायरेक्शन में तो अगर एमिटर करंट ट्रांजिस्टर को छोड़ रहा है तो इतने अमाउंट का करंट ट्रांजिस्टर तक पहुंचेगा भी कैसे बेस करंट की फॉर्म में और कलेक्टर करंट की फॉर्म में ठीक है उसी तरीके से तुम यहां पर देख पा रहे हो ये मेरे पास एमिटर करंट है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भेजेगा तो ऑब्वियस बात है करंट करंट ऐसे आएगा तो अब की बार अगर एमिटर से निकल रहा है तो उतना ही करंट पहुंचेगा भी बेस तक कैसे पहुंचेगा भी ट्रांजिस्टर तक बेस करंट और कलेक्टर करंट बनके नाउ आई एम होपिंग डायग्राम क्लियर हो गया एक बार जरा सा देखिए ठीक है मुझे मत बताओ वेबलांदू कि, कि किस तरीके से सिलेक्शन होते हैं वरी एट ऑल ठीक है यू कैन ऑलवेज गो टू दी अदर टीचर इफ यू फील ले कि आई एम नॉट बीइंग अ गुड टीचर तो मेरे पास है ना बहुत सारे टीचर है पढ़ाने को. एक बार जरा सा ये देख लो तो अभी ये जो डायग्राम है ये जो मैंने चार डायग्राम्स बनाए हैं तो इन चार डायग्राम से मैं सिर्फ क्लियर करना चाहती हूँ कि, कि किस तरीके से बच्चों ये जो पार्ट ऑफ दी सर्किट तुम लोग देख पा रहे हो ना दिस इज रिलेटेड टू द इनपुट देखो ये जो पार्ट ऑफ द सर्किट है दिस इज रिलेटेड टू द इनपुट ये इनपुट से रिलेटेड है तो यहाँ पर तुम लोग जो बैटरी देख पा रहे हो वो भी इनपुट बैटरी है जो तुम रजिस्टर हो वो भी इनपुट रजिस्टर है उसी तरीके से जो तुम ये पार्ट ऑफ सर्किट देख पा रहे हो ये तो सेम कलर टाइप का हो गया जो तुम ये पार्ट ऑफ सर्किट देख पा रहे हो इट इज रिलेटेड टू आउटपुट ये वाला जो पार्ट ऑफ सर्किट है इट इज रिलेटेड टू आउटपुट ये पार्ट ऑफ सर्किट है इट इज रिलेटेड टू आउटपुट पहली बता के चल रही हूँ बिकॉज आगे अभी हम लोग एम्पलीफायर के बारे में करने वाले हैं के ऊपर डिस्कशन करने वाले अभी तुम्हें सिर्फ इतना समझ आना चाहिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इनपुट आउटपुट करंट की डायरेक्शन ठीक है किस तरीके से ये वाली जो बैटरी है इसको इनपुट बैटरी बोला जाता है इस बैटरी को आउटपुट बैटरी नहीं बोला जाता ये सिर्फ वो बैटरी है जिसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या करा है कलेक्टर की रिवर्स पाइसिंग है अब आ जाते हैं मेन ट्रांजिस्टर पे जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे syllabus में जो मेजरली आते, क्वेश्चन आते के ऊपर so, अभी तक ये हो चुका होगा कि ये तुम्हारे पास इनपुट सर्किट है ये तुम्हारे पास आउटपुट सर्किट है ये तुम्हारी इनपुट बैटरी है ये तुम्हारा इनपुट रेजिस्टर है इनपुट रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज योर इनपुट करंट ये तुम्हारे पास आउटपुट रजिस्टर है आउटपुट रजिस्टर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज योर आउटपुट करंट ठीक है नाउ लेट अस ट्राई टू राइट डाउन इक्वेशंस कि अगर मान लो बच्चों मैं अभी ये वाली बैटरी की बात करूं तो ये वाली बैटरी इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है तो आई कैन से कि ये जो मेरे पास वी बी बी ने मान लो इतना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करा तो इसने कुछ पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर दिया आर बी के अक्रॉस और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसने क्रिएट कर दिया बी ई रीजन में मैंने कोई बड़ी बात नहीं की कोई बड़ी बात नहीं की मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ दिस इज द बैटरी जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है पूरा का पूरा इनपुट सर्किट में तो अभी मान लो अगर इसका पोटेंशियल है, है, है तो, तो इंटरनल करने वाली सिर्फ ये बैटरी है बीबीबी अब ये कुछ पोटेंशियल क्रिएट करेगी यहाँ पर आरबी के अक्रॉस और फिर कुछ पोटेंशियल क्रिएट करेगी ये वाले रीजन में तो ये वाला रीजन क्या हो गया बीई तो इसको मैंने बोल दिया बीबीई

और इसने एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर दिया यहां पर सीई के रीजन के बीच में विच इज इक्वल टू वी सीई डू नॉट कॉम्प्लिकेटेड ये देख लो बच्चों ये तुम्हारा मतलब ट्रांजिस्टर ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पॉसिबल है और हर साल एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है लेकिन देखो मैंने अभी कितने जेन्यन टर्म्स पे बात की है दिस इज माय बैटरी जिसने एक पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर क्रिएट करा एक पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर क्रिएट करा

सो वॉट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट वी सी सी अगर तुम तो यहां पर बल्ब लगा रहे हो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज दोटेंशियल डिफरेंस टू पॉइंट इट इज दोटेंशियल टू वी सी ई अब मैं अगर इसको रिफ्रेस कर दू ठीक है अगर मैं इसको रियरेंज कर दूं तो मेरे पास रियरेंज करने के बाद इक्वेशन आ गई ये ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास जहां पर दिस इज द इनपुट पोटेंशियल विच इज इक्वल टू वी बी बी और नीचे आ गया आउटपुट पोटेंशियल नाउ लुक एट दीज इक्वेशन अभी इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग ये वाले ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो तुम्हारा बहुत फेमस ग्राफ है ट्रांजिस्टर को लेके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे देन लॉजिक गेट्स हाउ मेनी स्लाइड्स एंड लेफ्ट विल नॉट आंसर इट एक बार जरा सा देख लीजिए ये मेरे पास दो इक्वेशन आई है ठीक है एक इनपुट पोटेंशियल की एक आउटपुट पोटेंशियल की अब मान लो तुमने इनपुट पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाया थोड़ा सा इनपुट पोटेंशियल बढ़ाया तो उसकी वजह से से थोड़ा सा, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा सा छोटा छोटा एमिटर 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 करंट करंट अब जब एमिटर सा है मतलब एमिटर के अंदर कर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या होल्स निकल रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत छोटे हैं सच दैट वो बेस में ही रिकम्बाइन कर जाते हैं और कलेक्टर करंट हमारा बनता ही नहीं है समझे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला अगर मैं इनिशियल केस की बात करूं डिवाइस माय पेन नॉट वर्किंग एक मिनट रुको बच्चे थोड़ा सा चार्ज होने दो इतने तुम लोग ये वाली स्लाइड को एक और बार देख लो कंज्यूम द नॉलेज फ्रॉम दिस स्लाइड आई जस्ट बिगिन थोड़ा सा चार्ज होने दो देखो टाइम की बात मत करा करो यार इससे ज्यादा जल्दी कैसे करूं देखो कौन सी स्लाइड के ऊपर है 44th स्लाइड के ऊपर है ठीक है एक बार जरा सा देख लीजिए तो मैंने सिर्फ रीअरेंज करके इनपुट पोटेंशियल और आउटपुट पोटेंशियल लिखा है तो इनपुट पोटेंशियल होता है कौन से वाला पोटेंशियल ये वाला पोटेंशियल जो हम बैटरी के विद रिस्पेक्ट टू क्रिएट कर रहे हैं आउटपुट पोटेंशियल होता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 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 विच इज इक्वल टू वी सीई अब सारे के सारे बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और अब इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं ठीक है मान लो बच्चों में इनपुट पोटेंशियल को जीरो रखो इनपुट पोटेंशियल को जीरो रखो इनपुट पोटेंशियल को जीरो रखूंगी तो ऑब्वियस बात है एमिटर करंट नहीं होगा तो यार जब एमिटर करंट ही नहीं है तो कैसे तो तुम लोग बेस करंट को डिफाइन कर सकते हो कैसे तो तुम लोग कलेक्टर करंट को डिफाइन कर सकते हो तो अगर कलेक्टर करंट की वैल्यू जीरो है तो तुम देख पा रहे हो आउटपुट पोटेंशियल इज इक्वल टू बी तो जब तुम्हारे पास इनपुट करंट जीरो है तुम्हारे पास आउटपुट पोटेंशियल मैक्सिमम है तुम्हारे पास आउटपुट पोटेंशियल क्या है आउटपुट पोटेंशियल मैक्सिमम है खुद ही देख लो इनपुट पोटेंशियल जीरो रखो इनपुट पोटेंशियल जीरो रखोगे एमिटर करंट ही नहीं आएगा बेस करंट नहीं आएगा कलेक्टर करंट नहीं आएगा कलेक्टर करंट नहीं आएगा ये वाली टर्म हो गई जीरो सो वी ओ इज इक्वल टू वी सी सी की हमने एक्चुअली में ये वाली जो बैटरी कनेक्ट की है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस देखने को मिल रहा है सो व्हेन द इनपुट इज लो द आउटपुट इज हाई इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है अब मैंने आगे क्या करा ध्यान देना अब मैंने आगे क्या करा मैंने इनपुट पोटेंशियल को बढ़ाया मैंने देखा कि यार भाई आउटपुट मेरे पास बेस करंट वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा है तो अब की बार मैंने इनपुट पोटेंशियल को बढ़ाया इनपुट पोटेंशियल को मैंने बढ़ाया तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है मेरे पास जो एमिटर करंट है वो वाली वैल्यू भी इंक्रीज हुई लेकिन अभी तक एमिटर करंट की सिर्फ इतनी ही वैल्यू है कि तुम्हारे पास बेस करंट आ रहा है लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कलेक्टर करंट नहीं आ रहा है अब भी किसी भी तरीके का कलेक्टर करंट नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी जो तुम्हारे पास आउटपुट पोटेंशियल होगा आउटपुट पोटेंशियल रहेगा मैक्सिमम ये देखो चार स्टेजेस है चार स्टेजेस है कि तुम लोगों ने इनपुट पोटेंशियल बढ़ाया तब भी आउटपुट पोटेंशियल तुम्हारे पास मैक्सिमम मिल रहा है पहले तो तुमने कोशिश ही नहीं की दूसरे वाले केस में तुमने कोशिश की लेकिन किसी भी तरीके का कलेक्टर करंट तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। अब तीसरे वाले केस में क्या होगा तीसरे वाले केस में अब की बार मानो तुम लोगों ने और ज्यादा इंक्रीज किया इनपुट पोटेंशियल को ठीक है अब की बार तुम लोगों ने थोड़ा सा और इंक्रीज किया इनपुट पोटेंशियल को तो जो एमिटर करंट है वो थोड़ा सा और बढ़ा तो अब की बार बेस करंट भी आया अब की बार कलेक्टर करंट भी आया कलेक्टर करंट की वजह से अब ये वाली टर्म नॉन जीरो हो गई तो आउटपुट पोटेंशियल कम हो गया सो आई कैन से अब इसकी वजह से क्या हुआ जो हमारे पास आउटपुट पोटेंशियल है इट डिक्रीजेस इट डिक्रीजेस आगे क्या होगा ओनली वन टू जीरो जीरो रिमेनिंग मत बोलो वन टू जीरो जीरो रिमेनिंग ठीक है दो घंटे पचास मिनट की क्लास के बाद भी एक हजार दो सौ बच्चे टिके हुए हैं छोटी बात नहीं है ये ठीक है एक बार जरा सा देखिए तो मैंने इनपुट uh, पोटेंशियल बढ़ाया आईई की वैल्यू बढ़ाई तो एमिटर करंट इंक्रीज हुआ तो बेस करंट भी आया आपके बाद कलेक्टर करंट भी आया कलेक्टर करंट आया तो ये वाली टर्म ये वाली टर्म बढ़ गई ना तो अगर ये वाली टर्म बढ़ गई तो ऑल तो टुगेदर ये वाली टर्म छोटी होगी तो आपके बाद आउटपुट पोटेंशियल कम हुआ अब मान लो अगर मैं इनपुट पोटेंशियल को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दू तो मेरे पास जो एमिटर करंट है वो भी बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो बहुत बड़ा बेस करंट आ जाता है बहुत बड़ा कलेक्टर करंट आ जाता है सच दैट वी ओ आई कैन से इट रीचे टू जीरो पोटेंशियल हमारा मैक्सिम था तो देख लो आउटपुट पोटेंशियल तुम्हारे पास मैक्सिमम था जब इनपुट पोटेंशियल जीरो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर लिखती चलती हूँ ऑल दो की जब तुम्हारे पास इनपुट पोटेंशियल जीरो था ठीक है तो तुम्हारे पास यहां पर किसी भी तरीके का कलेक्टर करंट आया ही नहीं कलेक्टर करंट नहीं आया तो वीसीसी की वैल्यू नहीं तुम्हें वी आउटपुट दे दिया विच इज मैक्सिमम आउटपुट जो पॉसिबल है ठीक है अब तुम लोगों ने बच्चों थोड़ा सा और आउटपुट तुमने अभी इनपुट पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश की कोशिश की कोशिश की कोशिश की कोशिश की तो अब तुम लोगों ने इनपुट पोटेंशियल बढ़ाया इनपुट पोटेंशियल बढ़ाया लेकिन अब भी जो कलेक्टर करंट है इट इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू जीरो क्योंकि सबसे पहले बेस करंट आता है ना तो तुमने थोड़ा सा वी आई बढ़ाया एमिटर करंट आया पूरा का पूरा बेस करंट में कन्वर्ट हो रहा है थोड़ा सा और वी आई बढ़ाया थोड़ा और बड़ा एमिटर करंट आया अब भी वो बेस करंट में कन्वर्ट हो रहा है अब तुमने वी आई की वैल्यू कुछ इतनी इंक्रीज कर दी कि एमिटर करंट का कुछ पोर्शन कलेक्टर करंट भी बना पा रहा है तो आई कैन से कि जो वी सी सी की वैल्यू है स्टिल इट इज अप्रोक्सीमेटलीक्ट इज अप्रोक्सीमेटलीक्वल टू वी ओ अब क्या होगा अब तुमने इनपुट पोटेंशियल और बढ़ाया ठीक है एक बार जरा सा देखिए अब तुम लोगों ने इनपुट पोटेंशियल और बढ़ाया मत कर देना मेरी क्लास में कभी भी मतलब किसी भी रीजन से इनपुट पोटेंशियल बढ़ाया कलेक्टर करेंट आया कलेक्टर करंट ने आउटपुट पोटेंशियल कम किया इसी रीजन में वो एम्पलीफायर की तरह काम करते ये हैंग हो गया या फिर तुम लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे हो सो गए क्या सारे बच्चे हाँ जी ठीक है और फिर लास्ट वाले केस में तुमने इनपुट पोटेंशियल को दूसरे कलर में लिखते हो लास्ट वाले केस में बच्चों तुम लोगों ने इनपुट पोटेंशियल को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया और वी की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है इट अप्रोचेज जीरो ऐसे तो ये तुम्हारे पास तीन रीजन आ गए इसी से एक ग्राफ तुम्हारा जो है ग्राफ एक्सप्लेन होता है तो अभी यहां पर देखना ये देखो फटाफट से ये वाला जो रीजन है दिस इज द कट ऑफ रीजन ये वाला जो रीजन है दिस इज द सैचुरेशन रीजन मैंने क्या बोला ये जो रीजन है इट इज द कट ऑफ रीजन कि हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि कलेक्टर करंट आ जाए लेकिन कलेक्टर करंट ज्यादा आ नहीं पा रहा है लास्ट वाला जो रीजन है वो सैचुरेशन रीजन है कि एमिटर करंट भी कितना ही आएगा यार तो एक टाइम पे एमिटर करंट भी सैचुरेट कर जाएगा तो जो कलेक्टर करंट है वो भी सैचुरेट कर जाएगा और ये जो तुम लोग बीच वाला रीजन देख पा रहे हो दिस इज द दीफाइंग रीजन दिस इज वेयर द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर इसको एक्टिव रीजन बोला जाता है

ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर ये वाले रीजन में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं ट्रांजिस्टर वर्स एज एन एम्पलीफायर एज एन एम्प्लीफायर ये तुम्हारे पास आ गया स्विच की तरह बात की तरह काम कर रहे दिस इज स्विच ऑफ दिस इज स्विच ऑन वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर खत्म अब बताओ भाई अब तुम्हारे पास नॉर्मल V इज इक्वल टू आई आर के बेसिस पे अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन लॉजिक गेट्स हाँ जी बताइए ट्रांजिस्टर क्लियर हुआ और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज डायरेक्शन ऑफ करंट एमिटर करंट कैसे बेस करंट बना रहे कलेक्टर करंट बना रहे डायरेक्शंस, डायग्राम इनपुट सर्किट कौन सा है आउटपुट सर्किट कौन सा इनपुट सर्किट को देख के मेन इक्वेशन आउटपुट सर्किट को देख के मेन इक्वेशन ये नॉलेज कि ये हमारी इनपुट बैटरी है ये हमारी आउटपुट बैटरी नहीं है ये सिर्फ वो बैटरी है जिसकी हेल्प से हम कलेक्टर की रिवर्स बाइसिंग करते दिस इज आर आउटपुट पोटेंशियल बिकॉज इसी पोटेंशियल के अक्रॉस हम किसी भी डिवाइस जैसे कि बल्ब को कनेक्ट करेंगे वट आर फोर जिसमें ट्रांजिस्टर काम करता है सबसे पहले मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम इनपुट फिर बाद में मैक्सिमम इनपुट मिनिमम आउटपुट दोनों केसेस में दी ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए स्विच जब कोई भी चीज मैक्सिमम या फिर मिनिमम नहीं है उसको एक्टिव रीजन बोला जाता है ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर देखो लॉजिक गेट्स इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग पार्ट नहीं है तो ट्रांजिस्टर इज द ओनली पार्ट जहां पर तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग लगेगा और वो भी अभी चला गया देखो क्वेश्चन करवाऊंगी अभी तुम्हें तो तुम्हें पता लगेगा ये जब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है तो देखो बच्चों ये आ, मैं यहाँ पर गेन डिफाइन करती हूँ चाहे मैं कैसा भी गेन डिफाइन करूँ हमेशा याद रखना गेन इज ऑलवेज आउटपुट बाई इनपुट लगे रहो बच्चों वी आर वेरी क्लोज टू द एंड लाइक अगर तुमने इतनी लंबी क्लास अटेंड कर लिया ना अब मत छोड़ना आई डोट नो अबाउट यू बट आई यू केपेबल ऑफ वर्किंग दिस हार्ट और फिर लास्ट में आगे गिवअप कर दो तो, अब नहीं छोड़ना बिकॉज नाउ दिस इज दाइम टू यू नो रीप समूटर क्वेश्चन और तुम्हें क्वेश्चन देख के पता लगेगा कितना ईजी है ये बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स ट्रांजिस्टर के ऊपर uh, तुम्हें डीपीपी में भी मिल जाएंगे सैटरडे को विडियो पी फॉर्म में भी आ जाएगा ठीक है चलो ट्रांजिस्टर की बात करूं तो हम यहाँ पर गेन गेन आउटपुटेड बाई बच्चों को कैसा भी जैसे कि देख लो मान लो मुझे करना। तो क्या होगा? हो जाएगा, अभी तुम मेरे शानी बेबीज हो ना इतना तो तुम्हें पता होगा आउटपुट इनपुट कौन सा है आउटपुट है यहाँ पर तुम्हारे पास कलेक्टर करंट इनपुट करंट है तुम्हारे पास बेस करंट फालतु का एवरी टाइम पास है ना उसी तरीके से मान लो अगर मैं पोटेंशियल गेन की बात करूं तो पोटेंशियल गेन आ गया आउटपुट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इनपुट पोटेंशियल आउटपुट पोटेंशियल है जो कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस है इनपुट पोटेंशियल है पोटेंशियल ऑफ दैट बैटरी जिसको तुमने बेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है उसी तरीके से फिर बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं तुम्हारे पास रेजिस्टेंस गेन रेजिस्टेंस गेन हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस

power is is also I multiplied multiplied by by R square square so so it is equal to current gain multiplied by resistance gain resistance let's do some questions tha इतना, इतना ही था अभी एक बार जरा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में ये क्वेश्चन देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े प्यारे क्वेश्चन है बच्चों को लगता है लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास ना कॉमन base ट्रांजिस्टर के ऊपर मान लो क्वेश्चन आ जाए ठीक है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आ गया कि अल्फा की वैल्यू गिवन है अभी देखो ये जो करंट गेन है ना बच्चों ये करंट गेन की अगर मैं बात करूं तो कॉमन एमिटर के केस में हम इसको बीटा से डिनोट करते हैं ध्यान देना ध्यान देना क्योंकि कुछ ट्विस्ट ही नहीं है मैं अभी बच्चों यहाँ पर करंट गेन की ही बात कर रही हूँ तो करंट गेन दोनों ट्रांजिस्टर के लिए पूछा जाता है तुमसे कॉमन एमिटर के लिए भी पूछा जा सकता है और कॉमन बेस के लिए भी पूछा जा सकता है कॉमन एमिटर में बच्चों करंट गेन को हम बीटा से डिनोट करते हैं और कॉमन बेस में हम उसको अल्फा से डिनोट करते हैं तो अभी अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो ये तो हमें पता है इट बेस और कलेक्टर कलेक्टर आउटपुट एमिटर इनपुट तो ये आ गया तुम्हारे पास कलेक्टर करंट डिवाइडेड एमिटर करंट अब देखो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन ये है कि कॉमन बेस के लिए अल्फा की वैल्यू है जीरो पॉइंट नाइन डी कोड करो इसका मतलब क्या है कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 0 बोले बोले so तो तुम लोगों को तो तुम लोगों को यहां पर दिख नहीं रहा है कि अगर तुम्हारे पास एमिटर करंट दस है ना तो उसमें से जो तुम्हारे पास कलेक्टर करंट है वो बच्चों नौ होगा लाग कर रहा है प्लीज वेट 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 करो हो जाएगा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी हो गया फिक्स हो गया आ जाओ आ जाओ नाउ इट इज परफेक्टली फाइन नाउ इट इज फाइन अभी आ जाओ तो मैं चाहती हूं तुम इसको इसको इस ये जो नाइन बाई टेन है इसको पढ़ो कि अगर एमिटर करंट दस है उसमें से कलेक्टर करंट नौ है खत्म क्वेश्चन यहीं पे खत्म कि अगर तुम्हारे पास एमिटर करंट दस है इसमें से कलेक्टर करंट नौ है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है बेस करंट कितना होगा वन होगा अब क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि अगर बेस करंट चेंज हो रहा है फोर मिली एम्पेयर से तो ये कितने से चेंज होगा तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाइड बाय नाइन कर दो थर्टी सिक्स मिली एम्पेयर गिव्स यू दी आंसर ऐसे करा जाता है क्वेश्चन को सोल्व कोई फॉर्मूला नहीं हाँ अब मुझे पता है देर इज नो लाइक लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ देख लो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं ऐसे और क्वेश्चन तुम लोगों को डीपीपी वगैरह में मिल जाएंगे ठीक है तो कभी भी अल्फा और बीटा के बीच में ऐसे रिलेशनशिप निकालना ना अल्फा को डी करो इसका मतलब 10 में से नौ तुम्हारे पास क्या है 10 में से नौ तुम्हारे पास कलेक्टर करंट है ठीक है अभी मान लो अगर मुझसे यहीं पे पूछा जाता है कि बीटा की वैल्यू बताओ मैं बता दूंगी बीटा की वैल्यू क्या होगी बीटा की वैल्यू होगी कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय द बेस करंट तो ये वाली वैल्यू कितनी आगे नाइन बाई वन ये वाली वैल्यू आ गई नाइन ये जो बच्चे फिर क्वेश्चन आते बच्चों तुम्हारे पास ये देखना कि कॉमन uh, बेस है क्योंकि बीटा गिवन है दैट इज हाउ आई नो कि कॉमन बेस है सॉरी कॉमन एमिटर है तो करंट गेन की वैल्यू बच्चा पार्टी गिवन है करंट गेन की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास जीरो पॉइंट नाइन्टी नाइन जीरो पॉइंट नाइनटी नाइन ठीक है उसी तरीके से रेजिस्टेंस गेन निकाल लो अभी रेजिस्टेंस गेन आ गया तुम्हारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस ये देखिए डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास दस तो अब आप यहां से पोटेंशियल गेन भी निकाल सकते हैं करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस गेन वी इज इक्वल टू आई आर होता है वैल्यू कितनी आ गई नाइन पॉइंट नाइन अब मान लो मैं तुमसे पूछूं ऐसे खाली फोकट का कि अल्फा की वैल्यू बताओ बच्चों घबरा मत जाना बीटा की वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन नाइन है मतलब 99 100. बीटा की वैल्यू वन से छोटी नहीं हो सकती व्हाट्स एवर चलो छोड़ो इसको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिखा देती देते ठीक है अब ये देखना बीटा की वैल्यू सिक्सटी है आओ सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालते हैं कि अगर बीटा की वैल्यू सिक्सटी है अल्फा की वैल्यू कितनी होगी तो बीटा को डी कीजिए बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास मतलब आप समझ नहीं रहे हैं इसका मतलब अगर एमिटर करंट तुम्हारे पास सिक्सटी प्लस वन सिक्सटी वन एम्पेयर है अगर तुम्हारे पास एमिटर करंट सिक्सटी वन है तो उसमें से बेस करंट तुम्हारे पास वन है और उसमें से कलेक्टर करंट तुम्हारे पास सिक्सटी है तो अगर मैं तुमसे यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी पूछती तो अल्फा क्या होता है एनी वे कमिंग बैक टू क्वेश्चन जो हमसे पूछा हुआ कि पावर गेन की वैल्यू बताओ तो मेरे पास एक तो करंट गेन है और रेजिस्टेंस गेन है तो पावर गेन को मैं करंट गेन और रेजिस्टेंस गेन की टर्म्स में लिखना चाहूंगी तो मेरे पास आ गया का स्क्वायर मल्टीप तो मेरे पास आ गया करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन का स्क्वायर आपके पास करंट गेन कितना है साठ है सिक्सटी वन कैसे का मतलब क्या होता है अगर तुम्हारे पास कलेक्टर साठ है बेस एक है तो एमिटर सिक्सटी वन ही हो गया ना एमिटर से ही तो कलेक्टर और बेस करंट बनता है करंट गेन सिक्सटी है अभी रेजिस्टेंस गेन की बात कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस गेन आ गया तुम्हारे पास बच्चों आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आ गई दस तो ये वाली वैल्यू होगी सिक्सटी मल्टीप्लाइड योगी हमारी तीन घंटे की क्लास लॉजिक गेट्स रह गए तो उसके लिए रुक जाओ बच्चों वाई इज इट लैगिंग ऑल दो बच्चों एक बार जरा सा सारे के सारे बच्चे बताओ सारी चीजें क्लियर हुई हैं तुम्हें तीन घंटे की क्लास हो गई है अब भी एक हजार से ज्यादा बच्चे बैठे हुए गाइस तो जल्दी से लॉजिक गेट ज्यादा इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग नहीं है ठीक है क्लास एंड कोई भी बच्चा कभी भी किसी भी रीजन से अपनी अटेंडेंस लगानी नहीं भूलेगा क्लास देख ली है लाइव देख रहे हो गजब रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो भी डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट हैश डे फोर क्योंकि तुम्हें नाइनटी एट तक जा ट्वेंटी uh, एट तक जाना है ठीक है आ, जा, आ जाओ आ जाओ बच्चों लॉजिक गेट्स के बारे में बात करते हैं ठीक है सो नाउ वी आर ऑन ये मेरी कमार मजा आ गया है ना अरे आई स्क्वायर आर होता है ना सही बात है एक मिनट रुको यहाँ पर गलत लिखा गया मैंने तुम्हारी टीचर भी एग्जॉस्ट हो चुकी है आप ठीक है ये देखो यहाँ पर स्क्वायर आएगा मुझको माफी दे दो प्लीज ये मैं करेक्ट कर देती हूँ ये आ गया तुम्हारे पास सिक्सटी का स्क्वायर मल्टीप्लाईड बैठे सॉरी अब करते लॉजिक गेट्स ठीक है आ जाओ अभी लॉजिक गेट लॉजिक गेट से इजी टॉपिक नहीं है तुम्हारे पूरे सिलेबस में लॉजिक गेट सिर्फ वो डिवाइसेज हैं, ऐसे स्विचेज हैं जिसके अंदर सिर्फ दो ही आउटपुट पॉसिबल है और दो ही इनपुट पॉसिबल है या तो हाई या लो लो इनपुट है लो आउटपुट है उसको जीरो से डिनोट करो हाई इनपुट है हाई आउटपुट है उसको वन से डिनोट करो

सो दीज आर दी लॉजिक्स तो इन लॉजिक्स के बेसिस पे जो गेट्स काम करते हैं उनको हम लोग लॉजिक गेट बोलते हैं ठीक है इन्हीं लॉजिक को अगर मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दूं, एक एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन दे दूं तो उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है बुलियन एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है बुलियन एक्सप्रेशन तो कुछ पॉइंट्स अभी के अभी तुरंत क्लियर हो जाने चाहिए कि जो लॉजिक गेट है बाइनरी सिस्टम के ऊपर काम करता है बाइनरी सिस्टम के ऊपर काम करता है हर एक लॉजिक गेट का एक ट्रुथ होगा और उस ट्रुथ के बेस पे पे उस लॉजिक के वो दे देते हैं तो, जो हमारे पास बनता है, तो अभी बच्चों हमारे पास थे तीन तरीके के गेट जो मेजर गेट है तीन तरीके के गेट है एंड गेट और हम दो इनपुट लेते हैं गेट में दो इनपुट लेते हैं नॉट गेट में एक इनपुट लेते हैं नंबर वन नंबर टू एंड गेट नखरे वाला है ये हाई आउटपुट तभी देगा जब दोनों के दोनों इनपुट हाई हो वरना ये हमेशा लो आउटपुट देगा और गेट इतना नखरीला नहीं है ये हाई आउटपुट दे देगा अगर दोनों इनपुट में से या तो दोनों के दोनों या फिर दोनों में से अगर कोई एक भी हाई इनपुट है तो ये हाई आउटपुट दे देगा नॉट गेट का कुछ अलग लेवल का चल रहा है कि अगर तुम यहाँ पर लो इनपुट दोगे हाई आउटपुट मिलेगा हाई इनपुट दोगे लो आउटपुट मिलेगा ठीक है तो ये जो एंड गेट है इसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों कुछ इस तरीके से तुम तो तुम देख पा रहे हो ये एक इनपुट टर्मिनल ये एक इनपुट टर्मिनल ये आ गया तुम्हारे तो पास आउटपुट टर्मिनल तो एंड में डी आता है तो यहां से तुम लोग देख सकते हो कि किस तरीके से इसको डी के फॉर्म में डिनोट किया जाता है तो यही लॉजिक है यही लॉजिक है कि अगर दोनों हाई हैं तभी तुम्हें हाई मिलेगा कि अगर तुम दोनों के दोनों को हाई रख रहे हो तभी तुम्हें हाई आउटपुट मिलेगा अगर दोनों में से एक भी लो है तो तुम्हें हाई आउटपुट नहीं मिलेगा तुम्हें लो आउटपुट मिलेगा जैसे कि तुम लोग इन तीन केसेस में देख भी पा रहे हो सो दीज आर दॉजिक्स ऑन द दिच दी एंड गेट इज वर्किंग अभी इस लॉजिक का अगर मैं टेबल बना दू ना तो ये मेरे पास बन जाता है ट्रुथ ट्रुथ टेबल टेबल तो वी आर बेसिकली जॉटिंग डाउन आर बेसिकली जॉटिंग डाउन एवरी पॉसिबिलिटी एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इनपुट एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इनपुट एंड स्टडिंग द आउटपुट, एंड आर स्टडिंग द आउटपुट, लाइक कर दोगे बच्चों वीडियो को स्टडिंग द आउटपुट ठीक है एंड तक बिल्कुल यही एनर्जी देखोगे तुम लोग ठीक है तो ये आ गया हमारे पास एंड गिट अभी इसको बुलि एक्सप्रेशन होता है बच्चों ये तो तुम देख पा रहे हो मल्टीप्लीकेशन है बुलियन एक्सप्रेशन में यहाँ पर याद करना याद रखना मल्टीप्लीकेशन आती है फिर आ गया और गेट और गेट को हम डी की फॉर्म में नहीं डिनोट करते ये डी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है जैसे कि एंड वॉज बिल्कुल रिजिड बैम्बू है ये नो बैम्बू इज फ्लेक्सिबल ठीक है ये तुम्हारे पास बहुत ही पुराना पेड़ है ये तुम्हारे पास बरगद का पेड़ है वेरी रिजिड ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है तो ये क्या करता है ये हाई इनपुट दे देता है अगर दोनों के दोनों या फिर दोनों में से अगर एक इनपुट भी हाई है ये गुस्सा सिर्फ तभी करता है अगर दोनों में से कोई भी इनपुट तुम्हें हाई नहीं मिलता सिर्फ वही वाले केस में ये आउटपुट भी तुम्हें क्या कर देगा लो दे देगा सो द ओनली ओनली कंडीशन जब तुम्हें लो आउटपुट मिलेगा इट इज वेन जब दोनों के दोनों इनपुट लो है वरना ये तुम्हें देखी पा रहे हो हमेशा हाई इनपुट देगा आ, हाई आउटपुट देगा अगर दोनों के दोनों हाई है इनपुट तब भी और अगर दोनों में से एक हाई है एक लो है तब भी ठीक है तो रिप्रेजेंट इसको ऐसे किया जाता है ये बन गया तुम्हारा ट्रुथ टेबल बुल एक्सप्रेशन में हम प्लस यूज करते हैं तो अगेन दिस वर्क्स ऑन बाइनरी बाइनरी एक्सप्रेशन

ठीक है फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डिक्रीज करना चाहिए फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इंक्रीज करना चाहेगी वो वाली बात लो इनपुट हाई आउटपुट हाई इनपुट लो आउटपुट ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंटेशन तो तुम यहां पर देख पा रहे हो इस तरीके से यहां पर एक गोला बनाया हुआ है देर इज वन ट्राइंगल एंड देर इज वन गोला तो गोला से याद करो हमेशा उल्टे काम करता था तो उसके मम्मी मारती थी इस तरीके से इस डैश के साथ शो कर सकते हो कि इनपुट को उल्टा करोगे तो आउटपुट मिलेगा तो इनपुट के ऊपर अगर तुम इस तरीके से स्लैश लगा दोगे तो आउटपुट दे देगा इसका मतलब क्या कि अगर जीरो का उल्टा तुम्हें वन मिल जाएगा और वन का उल्टा तुम्हें जीरो मिल जाएगा ठीक अब मानो मेरे पास एंड गेट और, और गेट के मैं दोनों टर्मिनल्स को जोड़ दूं तो ये तो हो गया हमारे मेजर गेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वॉट टर्मिनल्स ऑफ बोथ दी एंड गेट व्हेन आई जॉइन बोथ टर्मिनल्स ऑफ एंड गेट एंड गेट तो दोनों टर्मिनल्स को जोड़ दो तो या तो वन वन पॉसिबल है या जीरो जीरो पॉसिबल है सेम गोज फॉर दी और गेट एज गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को अगर मैं जोड़ दूं तो या तो वन वन पॉसिबल है तो वायर so एक बार जरा देखो वायर क्योंकि zero -zero तुम्हें zero देगा जीरो जीरो तुम्हें जीरो देगा वन वन तुम्हें वन देगा वन वन तुम्हें वन देगा सो इट बिहेव एज अ नॉर्मल वायर ठीक है अब आगे आता है what happens अगर मैं and gate और, और gate के आगे एक not gate लगा दूं कि ये मेरे पास एंड गेट था ठीक है इसके आगे एक लड्डू लगा दो ये मेरे पास और गेट था इसके आगे एक लड्डू लगा दो तो एंड प्लस नॉट बन गया और प्लस नॉट बन गया नॉर तो एंड को नॉट से कनेक्ट कर दिया एंड गेट नैंड गेट बन गया और को नॉट के साथ कनेक्ट कर दिया नॉर गेट बन गया तो ये तुम्हारी एंड गेट की रीडिंग है अब उसको रिवर्स कर देगा आगे बैठा हुआ नॉट गेट मतलब यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड मी हियर बिकॉज़ दिस इज वेरी जेन्युइन ये देखो

तो रटने वाली बात थोड़ी है ये तो तुम्हारे पास नॉट गेट बैठा है इस नॉट गेट ने रीडिंग को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया तो यहां पर अगर मैं एक्सप्रेशन की भी बात करूं तो बुलेन एक्सप्रेशन में भी देखो कि यहां पर दिस इज ए मल्टीप्लाइड बाई रिलेटेड टू एंड गेट ठीक है ए प्लस बी इज रिलेटेड टू और गेट लेकिन अभी इसके ऊपर ये जो लड ये जो लग गया है ना स्लैश दैट इज बिकॉज ऑफ द नॉट गेट दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉट गेट देखो तो ये बन गया तुम्हारे पास नैंड गेट और नॉर गेट अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लो फिर टाटा बाय बाय हो जाओ या फिर इम्पोर्टेंट करेंगे मैं बोलने वाली थी कि बाद में कर देते हैं बिकॉज आई एम सुपर टायर्ड बट लेट्स नॉट डू दिस ठीक है पांच क्वेश्चन है पांच क्वेश्चन निपटाओ ताकि एटलीस्ट तुमसे डीपीपी के क्वेश्चन बन जाए ठीक है क्वेश्चन देखो तो ऑल दो यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं बट एनी वे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चन तुम्हें बोला हुआ है कि तुम्हें आउटपुट वन चाहिए तो अगर आउटपुट वन चाहिए तो इनपुट कैसा होना चाहिए तो आउटपुट अगर वन चाहिए ये बैठा है एंड गेट एंड गेट वन सिप तभी देता है जब दोनों के दोनों इनपुट पे वन हो तो सी तो डेफिनेटली वन होना चाहिए तो डेफिनेटली से पे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन ये देखो अभी अब यहां पर ये है कि गेट को आइडेंटिफाई करो ये तुम्हारे पास इस तरीके से नैंड गेट था नैंड गेट के दोनों टर्मिनल्स को तुमने जोड़ दिया ये तुम्हारे पास इस तरीके से यहाँ पर एक और नैंड गेट है जिसके टर्मिनल्स को तुमने नहीं कनेक्ट किया ठीक है तो तुम्हें पूछा हो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा तो बच्चों सोचो ना एंड गेट के दोनों टर्मिनल्स को मैं जोड़ दूं इट बिहेव्स एज अ सिंपल वायर तो यहाँ पर बच गया एक नॉट गेट यहाँ पर बच गया दूसरा नॉट गेट दोनों नॉट गेट ने अपने इफेक्ट को कैंसिल कर दिया तो ये जो पूरा का पूरा गेट है कैसा गेट है एंड गेट है

अगर जीरो जीरो पे वन आता तो जीरो जीरो पे वन सिर्फ गेट देता है और नैंड गेट देता है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो जीरो के जीरो जीरो से मुझे देखना है वन मिल रहा है या फिर जीरो मिल रहा है ताकि मुझे पता लगे एंड है और और है या फिर नैंड है और नॉर है तो मैंने यहाँ पर आउटपुट को जीरो रखा मतलब सॉरी मैंने इन दोनों को जीरो लिया अब अगर ये जीरो है तो यहां से भी जीरो गया ये जीरो है तो यहां पर भी जीरो पहुंचा और यहां पर भी जीरो पहुंचा ठीक है इस नॉट गेट ने जीरो को कन्वर्ट कर दिया वन पे वन और जीरो आए एंड पे उसने दे दिया जीरो 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 पहुंचा और पे उसने जीरो दे दिया तो जीरो जीरो पे तुम्हें जीरो मिल रहा है यहां से कंक्लूजन नंबर वन कि या तो ये गेट और का है या फिर ये एंड का है तो और एंड और में डिफरेंस क्या है कि और जो है जीरो वन पे वन दे देता है

अब ये देखो तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज दिस गेट किस किस तरीके का गेट है तो देखो और गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को मैं जोड़ दू और गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को मैं जोड़ दे बिहेव एज अ नॉर्मल वायर तो ये पूरा का पूरा नॉर्मल वायर है जो इस तरीके से एक नॉर गेट के साथ कनेक्टेड है तो ये कैसा गेट हो गया ये नॉर गेट हो गया अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ कि अगर मान लो तुम्हें आउटपुट वन का चाहिए तो इनपुट किस तरीके का होना चाहिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड देन ऑल ऑफ यू आर गुड टू गो ठीक है एंड वी वुड हैव टास्क मिनट लंबी क्लास हुई ऑल दो ठीक है एक बार जरा सा देखिए तो तुम्हें आउटपुट वन का चाहिए अब ये तुम्हारे पास कैसा गेट है ये है तुम्हारे पास नॉर गेट और गेट वन दे देता था वन वन पे भी जीरो वन पे भी वन जीरो पे भी लेकिन ये हमारा है नॉर गेट नॉर गेट वन देगा सिर्फ जीरो, जीरो पे तो यहाँ पर पहुंचा जीरो यहाँ पर पहुंचा जीरो अब और गेट जीरो देता है सिर्फ जीरो जीरो के ऊपर अगर यहाँ पर जीरो है ये नॉट है यहाँ से वन निकला है तो ए की वैल्यू वन होनी चाहिए ए की वैल्यू वन होनी चाहिए तो या तो ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है आगे इसके ऊपर डिस्कशन करते हुए ये जीरो था तो यहाँ पर जीरो जीरो निकला था तो यहाँ से बी की वैल्यू भी जीरो आ गई बी की वैल्यू जीरो ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन एंड नाउ वी आर डन ओह व्हाट अ क्लास तुम ना मुझे इसे ट्रिपल टाइम में खुद से चैप्टर करके दिखा देना जितनी ज्यादा डिटेलिंग में मैंने करवाया नॉट स्किप्ड अ सिंगल पॉइंट चाहे वो कितना भी कैसे भी इंपॉर्टेंस रखता हो जितना भी रेलेवेंट था सेमी और लॉजिक गेट से रिलेटेड सारी चीजें आज के क्लास में डिस्कस हुई है सब्सक्राइब द वीडियो अभी मैं बंद कर रही हूँ इस वीडियो को बंद कर रही हूँ लाइव स्ट्रीमिंग हैश टैग डे फोर

रेडी टू गेट रेडी टू बी amazed ठीक है तो मैं वीडियो को बंद करी हास्टैग डी फोर कमेंट कर देना पी डी एफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा ठीक है तुम लोग डीपीपी सॉल्व कर लेना जो पचास सिलेक्टेड क्वेश्चन की मैं बच्चों ऑलरेडी भेज चुकी हूँ बाकी सैटरडे को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर इसके ऊपर वीडियो तो मैंने डालनी है उसमें और अच्छे अच्छे ट्रांजिस्टर्स डायूट्स एज वेल एज लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चन ले लूँगी ठीक है बाय बाय गुड बाय एवरी वन गुड बाय गुड बाय हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे कुछ खा लेना अभी बहुत लंबी क्लास हो गई है गुड बाय एवरीवान